हेलो एवरीवन, बच्चे आज स्टार्ट करेंगे हम एक न्यू चैप्टर। इट इज ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएसयू। पहले अगर मैं एक चैप्टर की कवरेज की बात करूं कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स बेसिकली हमको कवर करने हैं, तो पहले हम बात करेंगे कि ये पीएसयू का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएसयू। मीनिंग ऑफ पीएसयू, तो अगर पीएसयू के मीनिंग की बात करें तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि ऐसी अंडरटेकिंग्स जो कि पब्लिक से बिलोंग करती हैं। और पब्लिक से बिलोंग करने का मतलब क्या है यहां पर, सरकार, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे फिर वो बच्चे वो स्टेट की हो। तो पीएसयू के अंदर बेसिकली जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो कवर होते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं वो कवर हो जाती हैं, और जितने भी गवर्नमेंट के कॉरपोरेशंस हैं चाहे वो सेंट्रल के कंट्रोल में काम करते हों या वो स्टेट के कंट्रोल में काम करते हों वो यहाँ पे कवर होते हैं। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि पीएसयू में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं। एक तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। सेकेंड वन, गवर्नमेंट कंपनीज। वो इसमें आता है,
वो होती है CAG की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। तो हम अपने इस चैप्टर के अंदर एक जो CAG का लीगल फ्रेमवर्क होता है, लीगल फ्रेमवर्क कि CAG को कौन अपॉइंट कर सकता है, CAG का टेन्योर कितना रहता है, CAG के फंक्शंस के बारे में, बेसिकली इसका एक लीगल फ्रेमवर्क हम यहां पे डिस्कस करेंगे। और जितने भी हम PSU की ऑडिट की बात करते हैं, यहां पर इस फंक्शन को कौन डिस्चार्ज करता है, वो CAG डिस्चार्ज करते हैं। अब आप सभी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो एक क्वेश्चन चलिए बच्चे मैं आपके माइंड में डाल रहा हूं कि PSU क्या है सर, वो समझ में आ गया। दूसरा कि PSU में ऑडिट करता कौन है, वो CAG करता है, ये समझ में आ गया। तो फिर हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज पीछे हमने बेटा जितने भी देखो स्टैंडर्ड स्टेप के अभी तक हमने कवर किए हुए हैं, वहां पर हमें ये बताया कि सर ये काम हमको ही करना है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड्स ने हमको ये समझाया था कि कैसे हमें किसी भी ऑडिट को प्लान करना चाहिए, कैसे परफॉर्म करना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके का होना चाहिए, कैसे कैसे हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं, कैसे कैसे हम सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, कैसे हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, कैसे हम कंक्लूजंस ड्रॉ करते हैं, उन कंक्लूजंस के बेसिस पर कैसे हम एक ओपिनियन देके आते हैं, ये सारी बातें हमारे एंड पे थी। लेकिन इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको खुद परफॉर्म करना हो, मतलब सर बिकॉज PSU में ऑडिट कर कौन रहा है, CAG, और हम तो CAG नहीं है ना, और ना ही हम CAG बनने के लिए जा रहे भाई। हम CA फाइनल क्लियर करने के बाद हम एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के फॉर्म में काम करेंगे, या किसी कंपनी में आप एस अकाउंटेंट जॉब करोगे, या फिर किसी कंपनी में आप एस मैनेजर जॉब करेंगे। तो अगर चलिए अगर आपने प्रैक्टिस भी शुरू करी तो CAG तो आप बनेंगे नहीं। CAG सर कौन हो सकता है भाई साहब, जितने मैं कह सकता हूँ कि आज तक जितने भी CAG बने हैं वो सारे के सारे IAS रैंक के ऑफिसर होते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, और जब जब उनकी रिटायरमेंट की एज होती है लगभग जो 50-55 साल के आसपास के पहुंच जाते हैं, तब वो CAG अपॉइंट होते हैं। कौन करता है डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर, लेकिन IAS रैंक के जो कह सकते हो कि सरकारी ऑफिसर्स होते हैं वो CAG बनते हैं। और हम तो भाई CA बन जाने के बाद अपनी प्रैक्टिस करेंगे, CA बनने के बाद हम एक IAS बन के, समझ रहे हो ना बात को, कि CA बन जाने के बाद आप IAS की तैयारी थोड़ी ना करेंगे, या करेंगे भी चलो तो IAS बन भी जाते हो तो CAG बन पाए इससे जरूरी थोड़ी है। तो बात ये आ रही है कि सर जो CAG है काम तो उसने ही करना है, तो ये चैप्टर फिर हमें क्या सिखाएगा। इस चैप्टर में बेसिकली हमको CAG की फंक्शन के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, यानी जितने भी लेक्चर्स या चैप्टर्स हम पीछे कवर करके आ चुके हैं वहां पे तो हमको एक लर्निंग्स करनी थी, बिकॉज हमको समझना था कि ये काम हम कैसे करेंगे आगे जाके। लेकिन इस चैप्टर में ना लर्निंग नहीं है, इस चैप्टर में केवल अंडरस्टैंडिंग है कि आपको CAG के बारे में समझना है, CAG के फंक्शंस के बारे में समझना है कि CAG PSU में जाके किस किस तरह की, किन किन तरह की वो ऑडिट को परफॉर्म करता है। यहां पर मैं एज CAG की ये काम, CAG बनने के बाद मुझे कैसे काम करना होगा, वो लर्निंग आपको इस चैप्टर में लेते हुए नहीं चलनी। ये थोड़ा सा बच्चे मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में इसलिए कह रहा हूं बिकॉज मोस्टली बच्चे क्या करते हैं वो केवल चैप्टर्स को ना रटना शुरू कर देते हैं। आपको इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है कि ये चैप्टर सिलेबस में क्यों है, अगर वो ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो कभी भी ना आपकी किसी भी चैप्टर पे एक अच्छी ग्रिप बन ही नहीं सकती। इस चैप्टर को छोड़ के बाकी जितने भी चैप्टर्स आपके फाइनल लेवल पे सिलेबस में हैं, उन सब में आपके लिए लर्निंग है, आपको समझना है कि CA बन जाने के बाद ये काम हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में आपके लिए मैं कह सकता हूं कि लर्निंग नहीं है कि CA बन जाने के बाद हम कैसे CAG बनेंगे, कैसे हम ऑडिट ये परफॉर्म करेंगे, ना ये लर्निंग नहीं करनी आपको। यहां पर आपको केवल CAG के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। सर क्यों हम CAG के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्यों लें, हम तो CAG बनने के लिए नहीं जा रहे, ना ही ये ऑडिट हमें परफॉर्म करनी है, तो अंडरस्टैंडिंग भी हम क्यों लें, बिकॉज CAG भाई साहब, CAG इज द फेडरल ऑडिटर ऑफ इंडिया, सुप्रीम ऑडिटर ऑफ इंडिया, यानी कह सकते हो कि ये ऑडिटर का भगवान है, और आप क्या हैं, आप ऑडिटर हैं, और CAG क्या है, वो फेडरल ऑडिटर, सुप्रीम ऑडिटर ऑफ इंडिया है। तो कहने कहीं आपको अपने भगवान के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी फंक्शनिंग क्या होती है। चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव आपका यही है कि आपको CAG के बारे में, CAG के फंक्शंस के बारे में, कि CAG कौन कौन सी
ऑडिट इन पीएसयू में परफॉर्म करता है, केवल ये एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिले। ये हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे, एक लर्निंग अप्रोच पे हम इस चैप्टर को लेके नहीं जा रहे कि कैसे हम इन ऑडिट्स को परफॉर्म करेंगे, हमें बस किसी और के काम के बारे में इस चैप्टर में एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो हमने समझना है यहाँ पर पीएसयू का मतलब क्या है, दूसरा कि पीएसयू में ऑडिट करता कौन है, सीएजी, उसके लीगल फ्रेमवर्क की हम यहाँ पर बात करेंगे। देयर आफ्टर पीएसयू में जो सीएजी ऑडिट करता है वो टाइप्स ऑफ ऑडिट कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट्स, टाइप्स ऑफ ऑडिट कि सीएजी इन पीएसयूज में किस किस तरह की ऑडिट को परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने अभी तक जितनी भी ऑडिट अपने सिलेबस में कवर करी है वो केवल एक ही ऑडिट है, इट इज ओनली फाइनेंशियल ऑडिट, जहां पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू पर रिपोर्टिंग करते हो। अब एक सिचुएशन बच्चे मैं आपके सामने रख रहा हूं, जरा ध्यान से आप देखना, समझना और बताना कि इस जगह पर आप एक मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे या नहीं करेंगे। मैं एक कंपनी में ऑडिट कर रहा हूं और मुझे दिखाई दिया कि कंपनी ने कुछ परचेजिंग करी है, कुछ असेट्स को परचेज किया है, कंपनी ने ये असेट को 50 लाख रुपए में परचेज किया था। हालांकि अगर कंपनी बार्गेनिंग करती और कोई अल्टरनेट सप्लायर से अगर इन चीजों को परचेज किया जाता तो अदरवाइज कंपनी इन चीजों को 45 लाख में भी परचेज कर सकती थी। लेकिन यहां पर जो कंपनी के, मैं कह सकता हूं कि जो मैनेजर्स हैं, थोड़ी सी उन्होंने लापरवाही दिखाई और उन्होंने केवल एक ही वेंडर को पकड़ा हुआ है। जब भी कुछ परचेजिंग करनी होती है असेट्स टाइप की, सीधे उसी वेंडर को ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। तो 50 लाख का इन्होंने सपोज कोई एक असेट को परचेज किया है, कोई भी एक मशीनरी सोच लीजिए कि एक मशीनरी को 50 लाख रुपए में परचेज किया गया। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग किसी और सप्लायर से अगर बात की जाती, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग की जाती, तो इसको कंपनी 45 लाख रुपए में परचेस कर सकती थी। हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है कि सप्लायर को महंगे, सप्लायर से महंगे रेट पर परचेस करवा के सप्लायर को तो पेमेंट पूरा 50 लाख का करवा दिया और मैनेजर बाद में सेटिंग कर रहा है कि देख तेरे से हमने थोड़ा महंगा परचेस करा है, तो एक काम करते हैं जितना भी एक्स्ट्रा पेमेंट तेरे को दिलवाया है उसमें तेरे साथ में शेयरिंग कर लूं। ऐसा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बट ये दिखाई दे रहा है कि हाँ, यहाँ पर मैनेजर ने थोड़ा सा लापरवाही से काम किया है, उनकी डिसीजन मेकिंग में कहने के थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कोई फ्रॉड टाइप का यहाँ पर नहीं है। मतलब कोई कंपनी के असेट का मिस अप्रोप्रिएशन नहीं हो रहा कि कंपनी का कोई ऑफिसर, कंपनी का कोई एम्प्लॉई ऐसा कुछ महंगा परचेस करवा के, इन्फ्लेटिंग रेट पर परचेस करवा के सप्लायर के साथ पैसा शेयर कर रहा हो, ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया। बट ये दिखाई दिया कि हाँ, परचेसिंग थोड़ी सी इन्फ्लेट रेट पर इन्होंने परचेस किया है। अब क्या ऐसे केस में जहां पर मुझे दिखाई दिया कि हाँ, कुछ महंगा आइटम परचेस किया गया है, लेकिन कोई फ्रॉड या एरर वाली बात यहां पर नहीं है, आप कंपनी में ऑडिट कर रहे हो, एक फाइनेंशियल ऑडिट आप परफॉर्म कर रहे हो, फाइनेंशियल ऑडिट, क्या इस पॉइंट पर आप रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। और चलिए, 5 लाख रुपए का अमाउंट मैटेरियल तो है, 5 लाख रुपए का अमाउंट एक मैटेरियल अमाउंट है, क्या इस जगह पर एक मॉडिफाइड ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सोच लीजिए, आप फाइनेंशियल ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो और दिखाई दिया है कि यहां पर मैनेजर जो, यानी कंपनी का जो स्टाफ है, बेसिकली वो काम ठीक तरह से नहीं कर रहा, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं है और महंगे रेट पर गुड्स परचेस किए जा रहे हैं, महंगे रेट पर एसेट्स परचेस की जा रही हैं, लेकिन हाँ, मिस अप्रोप्रिएशन नहीं है कि वहां पर जाके सप्लायर से सेटिंग कर रखी हो, ऐसा मुझे कोई फ्रॉड यहां पर आइडेंटिफाई नहीं हुआ। 5 लाख रुपए की एसेट को महंगा परचेस किया गया है, मेरे लिए 5 लाख मैटेरियल है, क्या आप इस पॉइंट पर रिपोर्ट को मॉडिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। आप फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट मॉडिफाई होगी या नहीं होगी? आंसर इज नो, रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं होगी। क्यों? क्या ये कोई मिस स्टेटमेंट है? क्या ये कोई फ्रॉड है? क्या यहां पे कोई एरर है? 50 लाख की परचेजिंग हुई है और बिल्कुल इस आइटम को, मशीनरी को बिल्कुल ठीक तरीके से रिकॉर्ड किया गया है, प्रॉपर तरह से इसको डिस्क्लोज किया गया है, तो यहां पे कोई एरर नहीं है और यहां पे कोई फ्रॉड वाली बात भी नहीं थी, बस ये कि लापरवाही से बस काम हो रहा है,
तो यहाँ पे कोई फ्रॉड भी नहीं है ना ही कोई ये एरर है, और जब ये कोई फ्रॉड या एरर नहीं है तो ये कोई एक मिस स्टेटमेंट भी नहीं है, और मिस स्टेटमेंट नहीं है तो मुझे फिर ये भी जज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैटेरियल है या नहीं है, बिकॉज पहले मुझे ये देखना होता है कि क्या ये एक मिस स्टेटमेंट है, और अगर ये मिस स्टेटमेंट है तो फिर मैं देखता हूं कि मिस स्टेटमेंट ये एक मैटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं, और अगर ये मैटेरियल मिस स्टेटमेंट होती तो फिर मैं कहीं ना कहीं यहां पर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करता, लेकिन ये तो कोई मिस स्टेटमेंट ही नहीं है ना, और जब कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है तो इस पॉइंट पर आप अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं करेंगे, आंसर इज नो। लेकिन अगर आप सपोज ऑडिट करते हैं प्रोप्राइटी ऑडिट, सर ये कौन सी ऑडिट होती है? प्रोप्राइटी ऑडिट में हम ये देखते हैं कि पैसे का कोई वेस्टफुल यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा, माना कि हो सकता है कोई ट्रांजेक्शन प्रॉपरली ऑथराइज मैनर में हुई है, ट्रांजेक्शन करने के लिए प्रॉपरली सेंक्शंस लिए गए हैं, ट्रांजेक्शन प्रॉपर अमाउंट में रिकॉर्ड भी हुई है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन अभी भी वेस्टफुल हो सकती है। प्रोप्राइटी का मतलब क्या होता है कि क्या कंपनी के लिए काम करते हुए उसी तरीके से डिसीजन मेकिंग की गई है या नहीं की गई जैसा कि एक नॉर्मल इंसान अपने खुद के लिए पैसा खर्च करते समय डिसीजन मेकिंग करता है, या कंपनी के लिए भी काम करते हुए उन्हीं चीजों को सोचा गया था या नहीं सोचा गया था, दैट इज कॉल्ड एज प्रोप्राइटी ऑडिट। अगर मैं प्रोप्राइटी ऑडिट कर रहा होता तो मैं इस पॉइंट को रिपोर्ट में लेके आ जाता कि भाई कंपनी का पैसा वेस्टफुली अप्लाई हुआ है, कि कोई भी एक गुड्स या कोई असेट को 50 लाख रुपए में प्रोक्योर किया गया, लेकिन थोड़ा सा अगर यहाँ पर सावधानी से काम किया जाता, अल्टरनेट सप्लायर को देखा जाता, नेगोशिएशंस की जाती, बार्गेनिंग्स की जाती, तो मुझे लगता है कि 45 लाख रुपए में इस आइटम को परचेस किया जा सकता था, लेकिन लापरवाही से काम करने की वजह से यहाँ पर 5 लाख रुपए का महंगा आइटम परचेस कर लिया गया, दैट ऑडिट इज कॉल्ड एज प्रोप्राइटी ऑडिट। तो अगर मैं प्रोप्राइटी ऑडिट कर रहा होता तो ये पॉइंट पक्का मेरी रिपोर्ट के अंदर आ जाता। लेकिन हम जो पीछे ऑडिट्स करते हुए आ रहे हैं, जितने भी हमने स्टैंडर्ड्स में बातें करी हैं, वो हमने केवल और केवल फाइनेंशियल ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है। लेकिन जब पीएसयू की बात आती है तो वहां पर पैसा जो लगा हुआ है भाई साहब, वो पब्लिक का लगा हुआ है, टैक्स पेयर जो होते हैं इंडिया के, उनका पैसा उन कंपनी में लगा हुआ होता है, और टैक्स पेयर का पैसा प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, इकोनॉमिकल मैनर में वो पैसा अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, पीएसयू में इन चीजों को भी कवर किया जाता है। तो पीएसयू के अंदर बेटा फाइनेंशियल ऑडिट तो होती होती है, बट फाइनेंशियल ऑडिट के अलावा और भी कई सारी ऑडिट्स होती हैं जो पीएसयू में की जाती हैं, जैसे कि हम प्रोप्राइटी ऑडिट की बात करेंगे, कंप्लायंस ऑडिट की हम वहां पर बात करेंगे, हम वहां पर कई तरह की ऑडिट्स की बात करेंगे। तो ये सारी ऑडिट्स हमको समझनी है। समझनी का मतलब क्या है कि हाँ एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे, और मैं आपको हर जगह पर मार्क करवाता हुआ चलूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके इन जगह पर बच्चे आ सकते हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ ऑडिट, कुछ एग्जाम्पल दें टाइप्स ऑफ ऑडिट के जो हमें इस चैप्टर में कवर करनी है। तो फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, ये कुछ ऑडिट्स हैं जो हमें समझनी है। हाँ, फाइनेंशियल ऑडिट्स वही है जो पीछे हम करते हुए आ रहे हैं, जहां पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू की बात करते हैं, बट उनके अलावा कुछ और ऑडिट्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करती हुई चलनी है। ठीक, तो इस चैप्टर में कवर करना है एक तो मीनिंग ऑफ पीएसयू, इसके ऊपर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं लगेगा। फिर पीएसयू में ऑडिट कौन करता है, सीएनएजी, उसके लीगल फ्रेमवर्क को हम डिस्कस करेंगे। फिर लीगल फ्रेमवर्क समझने के बाद सीएजी इन पीएसयूज के अंदर किस किस तरह की ऑडिट को परफॉर्म करता है
वो टाइप्स ऑफ ऑडिट हमको समझना है। फिर ये जो सीएजी की रिपोर्ट्स होती हैं, सीएजी की रिपोर्ट्स, इसको हमको समझना होगा कि सीएजी किस तरह से अपने इन पीएसयूज के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं, और ये जो सीएजी की रिपोर्ट होती हैं अल्टीमेटली ये मूव करती हैं पार्लियामेंट के अंदर। इस चीज को बच्चे जरा फोकस करना, और थोड़ा सा अगर आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो मेरी इस बात को बहुत बेहतर तरह से आप कैश कर पाएंगे। सो अगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ना हो तो क्या चैप्टर समझ में नहीं आएगा? नहीं, समझ में तो आपको आएगा, लेकिन आपका एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट इस चैप्टर में डेवलप होगा अगर पॉलिटिक्स में आपका जरा सा भी इंटरेस्ट हुआ तो। कई बार देखो आपने सुना होगा कि 3 लाख करोड़ रुपए का एक घोटाला हो गया या 5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। ये फिगर कैसे फाइंड आउट होती है कि 3 लाख करोड़ का घोटाला किसने फाइंड आउट कराई है, और ये चीजें मीडिया में कैसे आई? बेसिकली क्या होता है कि सीएजी जब ऐसा कोई ऑडिट परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मुझे रिकॉल हो रहा है कि जिस टाइम पे 2G स्कैम हुआ था, 2G स्कैम बेसिकली क्या था कि जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री थी, टेलीकॉम मिनिस्ट्री की ऑडिट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिकॉज गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, पीएसयू है, ऑडिट के दायरे में पक्का आएगा। तो जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री थी, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट था इंडिया का, इन्होंने जब 5G की जो इन्होंने एरिया अलॉट किए थे उस टाइम पे इन्होंने ऑक्शन को इनवाइट नहीं किया था, नॉट 5G, 3G के टाइम पर। बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एक घोटाला हुआ था, मुझे वो फिगर तो रिकॉल नहीं हो रही है, आई थिंक वो 2,70,000 या 2,40,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक घोटाला था। ये फिगर कैसे निकली? उस टाइम पे जो CNAG थे वो थे मिस्टर विनोद राय, और विनोद राय ने ये देखा कि जब 3G का एरिया अलॉट किया गया था तो इन्होंने जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है इन्होंने ऑक्शंस को इनवाइट नहीं किया था। उस टाइम पे जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे वो मिस्टर ए राजा थे, इन्होंने ऑक्शंस को इनवाइट नहीं किया था, और जिस भी टेलीकॉम कंपनीज को इन्होंने वो स्पेक्ट्रम अलॉट करना चाहा वो इन्होंने अपने एंड पे अलॉट कर दिया था। और सरकारी प्रक्रिया ये कहती है कि भाई किसी भी चीज को अगर आप अलॉट कर रहे हो तो वहां पे प्रॉपर आप ऑक्शंस को इनवाइट करवाइए, बिकॉज ऑक्शन में क्या होता, सरकार के पास पैसा ज्यादा आता। तो विनोद राय ने यहां पर एक रिवेन्यू लीकेज को आइडेंटिफाई किया था कि भाई अगर आपने 3G के टाइम पर ऑक्शन को इनवाइट करवाया होता, ऑक्शन को अगर इनवाइट आपने कराया होता तब उस केस में सरकार के पास इतना पैसा आता। तो वहां पे एक फिगर तो मेरे को रिकॉल नहीं हो रही, वो फिगर काफी फेमस रही थी उस टाइम पर, आई थिंक, चलिए मैं एक एग्जांपल सेट कर लेता हूं, 2 लाख करोड़, आई थिंक वो 2,70,000 करोड़ के आसपास की फिगर थी एक। चलिए 2 लाख करोड़ रुपए का एक रिवेन्यू लीकेज मिस्टर विनोद राय जो उस टाइम पे सीएजी थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा। तो सीएजी मिस्टर विनोद राय, उनकी रिपोर्ट आती है और उनकी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि भाई यहां पर एक रिवेन्यू लीकेज हुआ है 2,70,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब जब ये सीएजी की रिपोर्ट होती है तो सीएजी की रिपोर्ट जो पीएसयू के ऊपर है, ये रिपोर्ट जाती है पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर 3 फाइनेंशियल कमेटीज होती हैं जो कि इन रिपोर्ट की स्टडी करती हैं। 3 फाइनेंशियल कमेटी, देखो पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी कमेटी हैं, लेकिन हमें केवल बात करनी है उन फाइनेंशियल कमेटीज की जो कि सीएजी की रिपोर्ट की स्टडी करती हैं। और फिर इसके बेस पर जो सदन होते हैं, सदन का मतलब जो पार्लियामेंट है, चाहे उसमें हम लोकसभा की बात करें या हम राज्यसभा की बात करें, तो सीएजी की रिपोर्ट के बेस पर पार्लियामेंट के अंदर फिर डिस्कशन चलता है। वैसे इंडिया में डिस्कशन तो कम होता है, हंगामा होता है, ठीक है। तो सीएजी की रिपोर्ट मूव कर जाती है पार्लियामेंट में, जहां पर 3 कमेटी है। एक तो होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग CPU बोलते हैं, एक होती है एस्टीमेट कमेटी। ये 3 फाइनेंशियल कमेटीज हैं पार्लियामेंट की, ये हमारे सिलेबस में है। इन कमेटीज का बारे में हमको देखो ये नहीं पढ़ना कि ये कमेटी का टेन्योर कितना होगा, कमेटी कैसे बनती है, कमेटी का प्रेसिडेंट कौन होता है, इन सारी बातों में हमें नहीं पढ़ना, लेकिन इन कमेटीज के जो फंक्शंस होते हैं वो हमको पढ़ना है, क्योंकि इनका फंक्शन जो होता है वो सीएजी की रिपोर्ट के बेस पर होता है। तो सीएजी की जो रिपोर्ट होती है वो पार्लियामेंट में जाती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि सीएजी ने एक रिवेन्यू लीकेज रिपोर्ट किया है सपोज 2,70,000 करोड़ रुपए का। जब ये रिपोर्ट उन्होंने
जब ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में आती है तो पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट आती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास, और पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है वो होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। जिस टाइम पर सीएजी विनोद राय जी ने अपनी ये रिपोर्ट पीएससी को सबमिट करी, बेसिकली सीएजी की जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट जाती है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट इन रिपोर्ट को लेके आते हैं पार्लियामेंट में। ये नहीं कि सीएजी सीधा पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट लेके आ गए, सीएजी ने अपना काम करा, और सीएजी ने अपना काम करके जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इनकी रिपोर्ट हैंड ओवर करते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट लेके आते हैं कहां पर, पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में तीन फाइनेंशियल कमेटीज होती हैं जो कि इन रिपोर्ट की स्टडी करती हैं। देखो अभी मैं इस चैप्टर को बच्चे पढ़ा बिल्कुल भी नहीं रहा, अभी मैं केवल आपको इस चैप्टर की एक कवरेज दे रहा हूं कि इस चैप्टर का आपका फ्लो किस तरीके का रहेगा, बिकॉज अगर ये चीजें आपको समझ में आती हैं तो चैप्टर में एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट आपका इस जगह पर डेवलप होगा, और अगर ये चीजें समझ में नहीं आती हैं तो बेटा फिर तो वही है रट्टाफिकेशन जिंदाबाद, आप केवल चीजों को रटते रह जाओगे। और मैंने पहले कहा है कि ऑडिट का जो मेरा पढ़ाने का पर्पज है, आपके पढ़ने का पर्पज है, वो कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपको रटा दूं या आप इस चीज को रट लेना। पूरा फोकस लगाइए चीजों को समझने के ऊपर, को जब चीजें समझ में आ जाती हैं तो जो चैप्टर की एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत बेहतर तरह से आपको मिलती है। तो देख लो एक बार जरा ध्यान से कि चैप्टर का हमारा फ्लो किस तरह का रहेगा। पीएसयू की बात करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा मैं आपको मार्क करवाता हुआ चलूंगा। फिर पीएसयू की ऑडिट करता कौन है, सीएजी। सीएजी किस किस तरह की ऑडिट्स पीएसयू में करते हैं उसकी बात करी। फिर जो सीएजी की रिपोर्ट होती है उन रिपोर्ट का क्या होता है, तो बेसिकली जो सेंट्रल के अधीन जितने भी कंपनीज हैं, सेंट्रल के जितने भी कॉर्पोरेशंस हैं, सेंट्रल के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट सर के पास जाती है या प्रेसिडेंट मैडम के पास जाती है आज के टाइम पे, और ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट कहां लेके आते हैं, पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में इसके ऊपर चर्चा होगी, बिकॉज खुद सोचिए ना आप कि जिस तरह से हम एक किसी नॉर्मल कंपनी में ऑडिट करते हैं तो नॉर्मल कंपनी में हम देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अल्टीमेटली करता धरता होते हैं, वो इन रिपोर्ट की स्टडी करते हैं कि अच्छा ऑडिटर ने क्या क्या फाइंडिंग्स दे रखी हैं, क्या क्या उसकी ऑब्जर्वेशंस आ रखी हैं, और जहां भी उसने कुछ एडवर्स कमेंट दिया होता है, जहां पर उसकी ऑब्जर्वेशंस नेगेटिव होती हैं, क्या आपको नहीं लगता दोष चार विद गवर्नेंस उसके बेस पर एक्शन को इनिशिएट करता होगा, बिल्कुल। लेकिन जब बात करते हैं हम पीएसयू की, तो पीएसयू का टीसीडब्ल्यूजी कौन होगा, जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है भी तो सरकार के कंट्रोल में काम कर रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली यहां पर चीजें सरकार की नॉलेज में होनी चाहिए कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं। तो सीएजी अपनी जो रिपोर्ट होता है, जो भी फाइंडिंग्स होती हैं, वो उस केस में प्रेसिडेंट सर को दे रहे हैं, प्रेसिडेंट मैडम को दे रहे हैं, और ये रिपोर्ट आती है फिर पार्लियामेंट के अंदर। और पार्लियामेंट में बहुत सारी कमेटीज होती है, लेकिन तीन यहां पर होती हैं फाइनेंशियल कमेटी, जो कि बेसिकली सीएजी की रिपोर्ट की स्टडी करती है। तो उसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं जो मैं पीछे स्टार्ट किया था कि मिस्टर विनोद राय जी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ रिवेन्यू लीकेज रिपोर्ट करा 270,000 करोड़ रुपए का, और जब ये रिपोर्ट आई तो ये रिपोर्ट आती है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये एक फाइनेंशियल कमेटी है पार्लियामेंट की, उसने इस रिपोर्ट की स्टडी करी, और बेसिकली इसका जो पीएससी का जो चेयरपर्सन होता है वो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। अब सोचिए कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री में 270,000 करोड़ रुपए का एक रिवेन्यू लीकेज है, और जब ये वाली बात लीडर ऑफ अपोजिशन को मालूम चलेगी तो क्या इस बात को लेके सदन में, पार्लियामेंट में एक चर्चा होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और जिस टाइम पे रिपोर्ट आई थी उस टाइम पे जो बीजेपी है एनडीए, वो उस टाइम पर विपक्ष में था, बिकॉज उस टाइम पे कांग्रेस यूपीए का शासन था, और जब ये रिपोर्ट आई तो उस समय पीएससी का जो चेयरपर्सन था वो बीजेपी का था। अब सोचिए कि कांग्रेस के टाइम पे एक 270,000 करोड़ रुपए का एक रिवेन्यू लीकेज हुआ है, जब ये वाली बात सीएजी की रिपोर्ट में आएगी तो क्या इस चीज को लेके फिर एक हंगामा होगा या नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा कि इंडिया में सदन पे चर्चा नहीं होती है, वहां पे क्या होता है, वह हंगामा होता है। तो वहां पे हंगामा होना शुरू हुआ, और इस तरह से फिर ये फिगर जो होती है वो मीडिया के अंदर हाईलाइट हो जाती है। तो ये कहानी है पूरी कि कैसे कोई चीज जो मीडिया में हाईलाइट हो रही है वो अल्टीमेटली वो सोर्स क्या है, कि वो फिगर निकल कहां से आ रही है। तो सीएजी की रिपोर्ट में आई थी,
सीएजी की रिपोर्ट गई पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में जो फाइनेंशियल कमेटीज है वो इसको देखती हैं, और जहां पे भी नेगेटिव फाइंडिंग्स होती हैं बेसिकली इन चीजों के ऊपर रिपोर्ट में पार्लियामेंट के अंदर फिर चर्चा आपका डिस्कशन वो स्टार्ट होता है और मीडिया में फिर ये चीजें हाईलाइट होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो तीन फाइनेंशियल कमेटीज हैं हमें इन कमेटीज के फंक्शंस को समझना होगा। ये मैं कह सकता हूं कि ये आपका इस चैप्टर का मेन कवरेज है। हम डिस्कस करेंगे इसमें लीगल फ्रेमवर्क सीएजी क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ ऑडिट कौन कौन सी हैं, फिर सीएजी की जो रिपोर्ट है इसके बारे में हम समझेंगे, ये पार्लियामेंट में जो तीन फाइनेंशियल कमेटीज हैं इनके बारे में हम समझेंगे। इतना करने के बाद मैं कह सकता हूं कि चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। लगभग दो लेक्चर के आसपास हमारे इस चैप्टर के ऊपर लगेंगे। ये तो ही इस चैप्टर का एक ओवरव्यू। एग्जाम में सर क्वेश्चंस कैसे होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको इस चैप्टर पे देखने को नहीं मिलेगा, कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन जो भी आएगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसके ऊपर आपका एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होंगे। सर एग्जाम में इस चैप्टर पे क्वेश्चन आने की फ्रीक्वेंसी किस तरह की है, क्या कि ये रेगुलर चैप्टर है जो हर बार एग्जाम में आता ही आता है? देन आंसर इज नो, रेगुलर चैप्टर नहीं है। एक या दो बार आ गया, एक बार आ गया, हो सकता है रिपीट भी कर ले चलिए, लेकिन ये नहीं कि पक्का हर बार आएगा ही आएगा। और जहां पर ये आ गया तो अगली बार अटेम्प्ट में आने के चांस काफी कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप देखो कि लास्ट अटेम्प्ट में आया था या नहीं आया था, लास्ट अटेम्प्ट में आ गया तो इस पर हम तो सर पक्का छोड़ के जाएंगे, ये अप्रोच नहीं रखनी है। मैं तो केवल एक रिस्क असेस करने की बात कर रहा हूं कि इस चैप्टर को कितना टाइम आपको देना चाहिए ताकि आप वो अपने एंड पर डिसाइड कर सके। तो क्वेश्चन की जो रेंज होगी वो 4 से 5 नंबर की होगी, इससे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, और एक रेगुलर चैप्टर नहीं है कि वो पक्का हर बार एग्जाम में आता ही हो। सर ऐसा कोई चैप्टर है? बिल्कुल है, प्रोफेशनल एथिक्स। ऐसा कुछ भी हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस चैप्टर पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे ही ना। लेकिन अगर इस चैप्टर की बात करते तो हाँ, ये एग्जाम के लिए एक रेगुलर चैप्टर नहीं है। इतना एक अगर आपको बेस क्लियर है फिर इस चैप्टर को बच्चे अल्टीमेटली हम स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, इतना समझ में आया, एक बैकग्राउंड तो तैयार हुआ एटलीस्ट हमारा। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले दिया है देखिए मैंने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन, केवल रीड ओनली में कवर करेंगे, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। PSU in India are fundamentally owned or controlled by central government or any of the state government or partly by the central government and one or more state government. The public enterprise have been assigned a key role in the socio-economic development of the country. These enterprises are industries supplying basic inputs to industry and agriculture such as coal, oil, steel, minerals, metals, cement, chemicals and fertilizers. Public utilities like railways, postal, telecom services, electricity generation and supply, road transport etc. constitute another class of public enterprises. यहाँ basically बता रहा है कि PSU किस-किस area में serve करती हैं। कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीएसयू, कि पीएसयू को हम कितने तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, तो तीन कैटेगरी बच्चे मैंने आपको बताई थी, वही माइंड में आप लेके चलिए। इसमें हम जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो कवर करते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में जितनी कंपनीज हैं कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनीज वो कंट्रोल करते हैं, एंड गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशंस उन्हें हम कवर करते हैं। तो डिपार्टमेंटली मैनेज अंडरटेकिंग इंडियन रेलवेज, पोस्टल सर्विस, इंडियन पोस्ट का नाम सुना होगा ना आपने, स्पीड पोस्ट करते हो आप, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट कंपनीज की बात करते हैं तो BSNL, BHEL, भेल, सेल, गेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेशन सेटअप अंडर द स्पेसिफिक एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या फिर जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NTPC. In India, government audit is performed by independent constitutional authority, that is Comptroller and Auditor General of India, that is C&AG. तो दो चीज कवर हो गई हमारी इस इंट्रोडक्शन के अंदर, एक तो PSU होता, PSU में क्या क्या चीजें आप कवर करते हो, दूसरा PSU में ऑडिट करता कौन है। नाउ अब समझना है हमको C&AG का एक
लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सी एंड ए जी। इंटर लेवल पे तो मैं कह सकता था कि जो सी ए जी का लीगल फ्रेमवर्क है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन जहां तक मैं फाइनल लेवल की बात करता हूं तो इतना बेसिक क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपके लेवल पे, फाइनल लेवल पे एग्जाम में पूछा जाए कि सी ए जी का एक लीगल फ्रेमवर्क आप बता दीजिए। सिलेबस में है तो कवर तो बच्चे हमें करना ही होगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांस ऑलमोस्ट मैं कहूंगा ना के बराबर है इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सी ए जी के ऊपर। हाँ, कोई एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तो देखो बच्चा कहीं से भी बन के आ सकता है। सी ए जी शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी ए जी की जो अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका फिर टेन्योर क्या है? सी ए जी शैल होल्ड ऑफिस फॉर 6 ईयर और अप टू 65 ईयर ऑफ हिज एज विच एवर इज अर्लियर। कि सपोज अगर आपने किसी सी ए जी को उसके 62 साल की एज में अपॉइंट करा एस सी ए जी, तो 62 साल से आप देख लीजिए कि 6 साल या 62 साल से 65 साल, इन दोनों में जो भी पहले आ जाएगा उसका ऑफिस यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। तो 62 से अगर हम काउंट करें तो 6 ईयर तो कंप्लीट होंगे जब वो 68 ईयर्स का जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या हो जाएगा? वो 65 साल का हो जाएगा, दैट इज उसका टेन्योर वहां पर 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर किसी को 50 साल की एज में सी ए जी बना दिया गया तो उसकी एज से आप 6 साल देख लीजिए और उसमें 65 ईयर, उसकी एज का 65 ईयर निकाल लीजिए, इन दोनों में जो भी पहले हो जाए। तो अगर किसी को 50 साल की एज में अगर आपने सी ए जी बना दिया तो उस केस में 6 साल पहले हो जाएंगे, यानी कि वो अपना 6 साल का टेन्योर उस केस में कंप्लीट कर लेगा। मैं पहले बोल रहा हूँ बच्चे, सी ए जी जो होते हैं ना वो ऑलमोस्ट ऐसा एक कह सकते हो एक आईएएस ऑफिसर जिसने घाट घाट का पानी पिया है, यानी कि हर एक कह सकते हो कि एरिया पे उसने सर्व कर रखा है, और ऑलमोस्ट जब वो अपनी रिटायरमेंट की एज पे होता है तब कहीं जाके वो बनता है सी ए जी ऑफ इंडिया। सी ए जी शुड बी पेड रेम्यूनरेशन इक्विवेलेंट टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब बताए कि सर इसकी सैलरी कितनी होती है? तो उसकी सैलरी है बेटा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। सर कितनी होती है? पहले तो लगभग 18 लाख के आसपास का कुछ होता था, शायद अब 24 लाख के आसपास का हो। इतना कम बेटा इस जगह पर आके ना ये सैलरी वगैरह मायने नहीं रखती है। इस जगह पर जो आपकी डेजिग्नेशन है, जो आपकी पोस्ट है, वो मायने रखती है। आप खुद देखिए ना कि नरेंद्र मोदी जी की जो सैलरी होगी और जो अंबानी जी का जो सैलरी होगी, क्या उस वो सेम होगा? डिफरेंस होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन मैं पूछूं बताइए कि इन दोनों में कौन बड़ा? फिर तो डिबेट का इश्यू बन जाएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर मोदी जी बड़े हैं, कोई बोलेगा जी अंबानी जी बड़े हैं, वो एक पॉइंट का इशू है। लेकिन हाँ, इस जगह पर आके बोल रहा हूँ कि इस जगह पर आके ये चीजें मायने नहीं रखती। आप देखिए वो बंदा किस पोस्ट पर आके, किस डेजिग्नेशन पर वो चीजों को सर्व कर रहा है। तो सैलरी कितनी है? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी सैलरी के बराबर। सी ए जी कैन बी रिमूव्ड ओनली व्हेन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर ईच हाउस से मतलब क्या है? नॉलेज में होगा बच्चे आपकी, पार्लियामेंट में आपके दो सदन होते हैं, दो हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस क्या होता है? राज्यसभा, एंड लोअर हाउस कॉल्ड एज लोकसभा। तो सी ए जी कैन बी रिमूव्ड ओनली व्हेन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड टू डू सो बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उसका कम से कम 2/3 अगर इस फेवर में वोट करते हैं इसे हटाइए तो ही इसको रिमूव किया जा सकता है। किस ग्राउंड पर? जब कोई एक प्रूवन, प्रूफ किया जाए एक मिसबिहेवियर है, ये किसी तरह की अगर इनकैपेसिटी है, इसी ग्राउंड पर उसको रिमूव किया जा सकता है। सी ए जी शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और एनी काइंड ऑफ इनकैपेसिटी। सी ए जी ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 प्रेस्क्राइब द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ सी ए जी। अब सी ए जी की पावर्स क्या क्या है, सी ए जी की ड्यूटीज क्या क्या है इस एक्ट के अंदर? सी ए जी ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971, इसमें सी ए जी के पावर एंड ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। हालांकि आपने कभी सी ए इंटर लेवल पर आपने सी ए जी की जो पावर होती है, सी ए जी की जो ड्यूटीज होती हैं, उन्हें आपने कवर किया हुआ था। सर क्या फाइनल लेवल पे नहीं है? फाइनल लेवल पे थोड़ा सा रहम कर दिया, सी ए जी के पावर के बारे में, सी ए जी की ड्यूटीज के बारे में ज्यादा चर्चा आपके इस चैप्टर के अंदर नहीं की गई है।
सो एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं बनता। हाँ, इंटर लेवल पर सीएजी की पावर्स के ऊपर, सीएजी की ड्यूटीज के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सर, सीएजी की पावर बेसिकली क्या होती है? भाई सिंपल सी बात है, अगर मेरा काम किसी पीएसयू में ऑडिट करने का है, यानी कि मेरी ड्यूटी है पीएसयू में ऑडिट करने की, तो मैं अपनी ऑडिट को एफिशिएंटली इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर सकूं, इसके लिए मुझे कुछ बेसिक पावर भी दी जाती है। यानी गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में, कंपनी में, कॉरपोरेशन में मैं जाके चीजों को मांग सकता हूं, वहां पे जाके बुक्स ऑफ अकाउंट को मैं चेक कर सकता हूं, या फिर मैं उनको एक नोटिस भी भेज सकता हूं कि भाई जो एड्रेस इस नोटिस में लिखा हुआ है उस एड्रेस पर अपने ये बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, चीजों को लेके आ जाइए। ये बेसिकली पावर है जो कि मैं अपनी ड्यूटीज को एफिशिएंटली इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर सकूं, इस पर्पस के लिए पावर मुझे दी जाती है। और अगर ड्यूटीज की बात करें तो एक ड्यूटी को बस माइंड में कवर कर लीजिए कि पीएसयू की ऑडिट करना मेरी ड्यूटी होती है, पीएसयू की ऑडिट करना वो सीएजी की ड्यूटी होती है। अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट विल बी मेंटेन एज पर द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी। मतलब जितने भी यूनियन के अकाउंट्स हैं, सर यूनियन बोले तो सेंट्रल एंड स्टेट्स के, यानी कि जो आपके स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, स्टेट्स के जो अकाउंट हैं वो किस तरह से मेंटेन की जाएंगे, बोले जैसा प्रेसिडेंट डिस्क्राइब करे, जैसा कि प्रेसिडेंट डिस्क्राइब करे उस तरह से यूनियन के और स्टेट के अकाउंट को मेंटेन किया जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट को इस चीज को लेकर एडवाइस कौन करेगा? सीएजी। समझिए बात को, प्रेसिडेंट एक तरीका आपको बता रहे हैं यूनियन को, स्टेट को, कि किस तरह से आपको अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना है। लेकिन सोचिए कि प्रेसिडेंट सर को क्या, या प्रेसिडेंट मैडम को इन सारी बातों के बारे में नॉलेज होगी कि अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करवाना चाहिए, कि यूनियन के जो अकाउंट्स हैं या स्टेट के जो अकाउंट्स हैं उन्हें किस तरह से मेंटेन करना है? क्या प्रेसिडेंट सर या मैडम को इस चीज के बारे में नॉलेज होगी? क्या नहीं होगी? सर क्या उनके यहाँ पे टीम काम नहीं करती है? उनके यहाँ पे टीम काम करती है, बट उस टीम को एडवाइस कौन करेगा? उन्हें एडवाइस करता है सीएजी। बेसिकली सीएजी की ड्यूटी होती है, प्रेसिडेंट को एडवाइस देने की ड्यूटी सीएजी की होती है, और प्रेसिडेंट इस एडवाइस के बेस पर डिस्क्राइब करता है कि भाई किस तरह से यूनियन के और स्टेट के अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा। एंड द रिपोर्ट ऑफ सीएजी रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट या गवर्नर हु शैल कॉज देम टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। इस पॉइंट को बच्चे जरा ध्यान से अपने एंड पर एक से दो बार जरा आप रीड करके देखिए, ध्यान से रीड करिए। द रिपोर्ट ऑफ सीएजी रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट या गवर्नर। अगर यूनियन के अकाउंट्स की रिपोर्ट है तो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, और अगर स्टेट के अकाउंट्स के ऊपर रिपोर्ट है तो स्टेट में बेटा कौन होते हैं? गवर्नर होते हैं। यानी कि जैसा एक मैं कह सकता हूं कि एक रेपुटेशन या जो एक वर्किंग यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट की होती है, सेम वही चीजें स्टेट लेवल पे किसकी होती है? हर एक स्टेट का गवर्नर होता है। तो अगर मैं स्टेट के अकाउंट के ऊपर रिपोर्ट कर रहा हूं, मैं एक पीएसयू पर रिपोर्ट कर रहा हूं जो स्टेट से बिलोंग करती है, तो सीएजी उसकी रिपोर्टिंग किसे करेंगे? उस स्टेट के गवर्नर को करेंगे, और गवर्नर फिर इन रिपोर्ट को लेके कहां जाएगा? लोकसभा में जाएंगे क्या? नहीं, हर एक स्टेट में क्या मिलती है आपको? विधानसभा। नाम सुना है ना आपने, विधानसभा होती है हर एक स्टेट की, तो उसे क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। तो गवर्नर ये रिपोर्ट लेके कहां लेके जाएंगे? स्टेट लेजिस्लेचर में। और अगर मैं बात करता हूं यूनियन के अकाउंट के ऊपर रिपोर्ट थी, तो यूनियन के अकाउंट्स के ऊपर जो रिपोर्ट होती है सीएजी, ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर इस रिपोर्ट को लेके आते हैं कहां पर? पार्लियामेंट के अंदर। और फिर मैंने आपको बताया है कि पार्लियामेंट में क्या होती है? आपकी कमेटीज होती है, तीन फाइनेंशियल कमेटी बताई मैंने आपको। फिर ये कमेटीज जो होती हैं, फिर उनका रोल वहां पे स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो इन रिपोर्ट की स्टडी करना शुरू करते हैं, और जो भी कुछ एडवर्स फाइंडिंग होता है, एक नेगेटिव ऑब्जर्वेशन होता है, इन चीजों को लेकर फिर सदन के अंदर, सदन का मतलब पार्लियामेंट, उसके अंदर फिर चर्चा होना, डिस्कशन होना आपका स्टार्ट होता है। बात समझ में आई? तो तीन चीजें पहले फोकस करिए, तीन या चार चीजें।
पहला, पीएसयू का मतलब समझ में आया? हाँ सर, क्लियर है। पीएसयू में ऑडिट करता कौन है? सीएजी। उसका लीगल फ्रेमवर्क समझ में आया? हाँ सर, उसका लीगल फ्रेमवर्क समझ में आया। फिर सीएजी अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको दे रहा है? तो यूनियन की जो रिपोर्ट है वो जा रही है गवर्नर के पास, सॉरी प्रेसिडेंट के पास, और जो स्टेट की रिपोर्ट है वो जा रही है कंसर्न स्टेट के गवर्नर के पास। और अब ये जो प्रेसिडेंट सर हैं या मैडम हैं, ये जो रिपोर्ट को क्या करेंगे, ये इनको पार्लियामेंट में लेके आते हैं। फिर पार्लियामेंट के अंदर जो आपकी कमेटी बैठी होती है वो इन रिपोर्ट की स्टडी करना शुरू कर देती है। इज इट क्लियर और नॉट? अभी तक जितना भी डिस्कशन करा है एग्जाम में, इसके ऊपर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने के लिए जा रहा। देखो पहले बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ये, तो आप सीधा अब कट कर सकते हो एग्जाम में, आपसे इस वाले पार्ट पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन जो सेकंड पार्ट जो डिस्कस करा, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सीएजी, आने को कुछ भी आ सकता है, बट आने के चांस ऑलमोस्ट रेयर है फाइनल लेवल के अंदर। क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का वैसे तो बन सकता है, बट आने के चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो 4 से 5 नंबर के लिए मैं इसको मार्क भले ही करवा रहा हूं, बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांस ऑलमोस्ट इस टॉपिक पर ना के बराबर रहेंगे। नाउ ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू सीएजी ऑडिट, कि सीएजी कहां कहां पर ऑडिट करते हैं। सर ये तो समझ में आ गया, पीएसयू, ये तो बात समझ में आ रही है कि पीएसयू में तो सीएजी ऑडिट करता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई एक ऐसी बॉडी है, संस्था है जो पीएसयू नहीं है, क्या वो भी सीएजी के दायरे में आता होगा या नहीं? देखिए ध्यान से, पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि कोई एक ऐसी बॉडी जो कि पीएसयू नहीं है, कोई एक ऐसी बॉडी जो कि पीएसयू नहीं है, क्या ये बॉडी क्या सीएजी के दायरे में आती होगी या नहीं आती होगी, क्या आ सकती है या नहीं आ सकती? इतना तो मुझे पता है कि पीएसयू में ऑडिट करता कौन है, पीएसयू में ऑडिट सीएजी ही करता है, पीएसयू में ऑडिट सीएजी करता है। नाउ ये पॉइंट मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि एक ऐसी बॉडी है जो कि पीएसयू नहीं है, क्या ये भी सीएजी ऑडिट के दायरे में आ सकती है या नहीं आ सकती? सर आप पूछ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट होगा इस जगह पर, आ सकती है नहीं आ सकती? आ सकती है। और अगर इंटर लेवल पे जो टॉपिक आपने कवर किया था गवर्नमेंट ऑडिट का, अगर थोड़ा सा दिमाग में जोर डालोगे, आंसर निकाल लेंगे कि वो कौन सी बॉडी होती है जो कि सीएजी की दायरे में आ जाती है, सीएजी इन जगह पर जाके भी ऑडिट करता है। थोड़ा फ्लैशबैक में आपको जाना होगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं थोड़ा सोचिए जरूर। अल्टीमेटली देखो मैं तो आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वो ऐसी बॉडीज हैं जो कि पीएसयू बेसिकली नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर सीएजी ऑडिट करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे बताने से पहले, अगर आप थोड़ा सा अगर आप रिकॉल कर सके अपने इंटर लेवल की जो नॉलेज थी, अगर वो रिकॉल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। कुछ हुआ रिकॉल? नहीं हुआ। बॉडीज विच आर सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड, बॉडीज विच आर सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम द फंड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के फंड से अगर किसी को पैसा दिया गया है तो भाई साहब उनकी भी ऑडिट होती है, उनकी भी ऑडिट होती है, भले ही वो कोई पीएसयू ना हो, भले ही वो कोई पीएसयू ना हो। लेकिन अगर कोई बॉडी सब्सटैंशियली फाइनेंस होती है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी, तो उस केस में सीएजी वहां पर जाके ऑडिट को परफॉर्म करते हैं। सर यहां पर सब्सटैंशियली फाइनेंस से मतलब क्या है, देखिए ध्यान से। सपोज कि एक डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स,
मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इस डिपार्टमेंट का नाम, इस मिनिस्ट्री का नाम बेटा आपने सुना हुआ तो होगा। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट कह सकते हो या एक ऐसी आप मिनिस्ट्री कह सकते हो जो इंडियन ट्रेड को या कॉमर्स को प्रमोट करने का काम करता है। ठीक है, अब सपोज कि एक कंपनी है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडियन ट्रेड को प्रमोट करती है। ये एक ऐसी कंपनी है विच इज एंगेज्ड इन ट्रेड प्रमोशन। एग्जाम्पल को बच्चे जरा ध्यान से आप देखना, ट्रेड प्रमोशन। मैं फिर बोल रहा हूं चैप्टर बहुत छोटा है और चैप्टर में कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम में तो आएगा। ठीक है, और एग्जाम में आता है क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का, भले एक रेगुलर चैप्टर ना हो बट 4 से 5 नंबर का तो आ सकता है ना। और उस केस में अगर एक प्रैक्टिकल अप्रोच अगर आपके पास नहीं है, अंडरस्टैंडिंग चीजों की नहीं है, तो इस चैप्टर को अल्टीमेटली आप रटेंगे। और रटी हुई बातें थोड़े दिनों तक तो आपके दिमाग में रह सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक ये चीजें आपके माइंड में बेटा नहीं रह सकती। तो किसी भी चीज को अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपको अपने माइंड में रखना है ना, तो उसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अगर आप समझ जाओगे तो चीजें आपके दिमाग में लाइफ टाइम के लिए रह जाएंगी। इसलिए कह रहा हूं कि प्लीज यहां पर मैं जितने भी एग्जांपल्स दूंगा फोकस बहुत अच्छी तरह से आप करना। तो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या पीएसयू के अलावा कोई भी ऐसी बॉडी जो कि पीएसयू नहीं है, क्या सीएजी वहां पर जाके भी ऑडिट कर सकता है? तो मैंने एग्जांपल दिया कि यस बिल्कुल कर सकता है। बॉडीज विच आर सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम द फंड्स ऑफ इंडिया, फंड ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें एग्जांपल दे रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो इंडियन ट्रेड को, कॉमर्स को प्रमोट करने का काम करती है। ए लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है जो एंगेज है इन द ट्रेड प्रमोशन, जो ट्रेड फेयर्स वगैरह होते हैं ये इनको ऑर्गेनाइज करवाती है। जब ये ट्रेड प्रमोशन में एंगेज है तो कई बार ये क्या होता है कि जितने भी फॉरेन फेयर्स होते हैं, जितने भी आपके ये फॉरेन फेयर्स होते हैं वहां पर जाके भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, फॉरेन फेयर्स में जाके भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट जनरली फॉरेन फेयर में पार्टिसिपेट करके इसको लॉस होता है। हाँ, इंडिया के अंदर जितने भी ये फेयर्स को ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो वहां पर ये कहने कहीं कह सकते हो सरप्लस में आ जाते हैं, लेकिन जब ये फॉरेन फेयर्स में जाके पार्टिसिपेट करते हैं तो इनको यहां पर लॉस होता है। और चलिए, ए लिमिटेड एक सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ की प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। अब सोचिए कि अगर इसको फॉरेन फेयर में पार्टिसिपेट करने पे लॉस होता है तो क्या इसको फॉरेन फेयर में पार्टिसिपेट करना रोक देना चाहिए? नहीं, बिकॉज अगर हम फॉरेन फेयर में जाके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम इंडियन ट्रेड को कैसे वहां पर जाके हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे? भाई इंडिया में किसी भी ट्रेड को हम कब बढ़ावा देंगे? जब बाहर जाके जो विदेशों के अंदर जो ट्रेड फेयर्स होते हैं, जब तक वहां पर जाके हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो उन विदेशियों को इंडियन ट्रेड के बारे में मालूम कैसे चलेगा? तो ये कंपनी जब बाहर फॉरेन फेयर्स होते हैं उन जगह पर जाके कंपनी पार्टिसिपेट करती है, बट प्रॉब्लम यह कि वहां पर इसको हमेशा क्या होते हैं, लॉस होते हैं। और ऐसी कंपनीज को बचाने के लिए, प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पीछे से खड़ा हुआ होता है। बोले कंपनी तुम घबराओ मत, एक काम करिए, हम आपको अपनी ओर से फंडिंग देंगे, हम आपको ग्रांट देंगे, गवर्नमेंट ग्रांट। और बोले जितना भी फॉरेन फेयर्स में आपको लॉस होता है, आप एक काम करिए, इन लॉस के जो अकाउंट्स होते हैं कि भाई कितना आपके पास रिवेन्यू आया था, कितना आपके यहां पर खर्चा हुआ है, कितना नेट लॉस आपको इस फेयर में हुआ, तो एक सीए से आप ये फिगर सर्टिफाइड करवा दीजिए और ये अकाउंट्स आप मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में आप भेज दीजिए। जितना भी लॉस आपको हुआ था किसी भी फॉरेन फेयर में पार्टिसिपेट करके, उस लॉस के इक्वल एक ग्रांट आपको यहां पर हम रिलीज कर देंगे। तो ये बताइए, क्या ये जो ए लिमिटेड है, क्या इसको गवर्नमेंट से फंड मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? बिल्कुल मिल रहे हैं। तो क्या ऐसे केस में ए लिमिटेड की भी ऑडिट हो सकती है? देखो, पहले बात करते हैं, क्या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स क्या इसकी ऑडिट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ये एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, पीएसयू में कवर है, पक्का यहां पर सीएजी ऑडिट करेगा।
पक्का इस जगह पर सीएजी की ऑडिट तो पक्का होगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि एक ऐसी बॉडी जो कि पीएसयू नहीं है, क्या वहां पर भी सीएजी ऑडिट कर सकता है? मैं ए लिमिटेड की बात कर रहा हूं कि क्या यहां पर सीएजी ऑडिट हो सकती है, क्या क्या इस केस में सीएजी ऑडिट होगी? बिकॉज ए लिमिटेड तो पीएसयू है नहीं, ए लिमिटेड पीएसयू नहीं है, और अगर ए लिमिटेड पीएसयू नहीं है तो क्या ये सीएजी की ऑडिट के दायरे में आएगा या नहीं आएगा? क्वेश्चन ये है सर, आना तो चाहिए, जब आप इतना जोर दे के ये एग्जाम्पल दे रहे हो तो आना तो चाहिए, ये आ जाएगा। अगर अगर ए लिमिटेड एक ऐसी बॉडी है विच इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम द फंड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फंड से अगर सब्सटेंशियली फाइनेंस हुई है, यस यस, इफ ए लिमिटेड इज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम फंड ऑफ गवर्नमेंट, अगर ये सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है तो हो जाएगी। सब्सटेंशियली फाइनेंस का मतलब क्या है कि भाई आपको जो गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है, आपको जो भी गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है, ये आपके जितने भी खर्चे हुए थे उसके 75% या उससे ज्यादा है, 75% ऑफ एक्सपेंडिचर, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रिवेन्यू नेचर का हो। यानी कि अगर गवर्नमेंट से आपको फंडिंग ना मिले तो आप बेटा अपने खर्चों का, यानी कि आप अपने मेजर खर्चे तो कर ही नहीं सकते। यानी मैं कह सकता हूं कि ए लिमिटेड की जो फंक्शनिंग है वो काफी हद तक गवर्नमेंट से आने वाली ग्रांट के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो अगर गवर्नमेंट ग्रांट जो मिली है वो अगर आपके टोटल खर्चों के 75% या उससे ज्यादा है, एंड एक फाइनेंशियल ईयर में जो आपको गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिल रही है वो 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा की है, अगर ये डुअल कंडीशन है, अगर ये दोनों कंडीशंस आप सेटिस्फाई कर देते हो तो मैं कहता हूं कि हाँ ऐसी बॉडी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है। सब्सटेंशियली फाइनेंस का मतलब क्या कि भाई अच्छा खासा फाइनेंस्ड है गवर्नमेंट से। अगर गवर्नमेंट ने फंडिंग करनी आपको बंद कर ली तो ज्यादा दिनों तक फिर आपकी दुकान यहां पर नहीं चल सकती। तो देखिए ध्यान से, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तब उस केस में ए लिमिटेड के यहां पर आके सीएजी ऑडिट करेंगे। ये देखेंगे कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स से आपने जिस पर्पस के लिए फंड लिए थे, आपने उस पर्पस के लिए इन फंड को अप्लाई किया है या नहीं किया। सिंपल सी बात है। तो ऐसी संस्था, ऐसी भी कोई बॉडी जो कि सब्सटेंशियली फाइनेंस होती है फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन या स्टेट या यूनियन टेरिटरी, ऐसे केस में सीएजी वहां पर ऑडिट करता है। ये दोनों कंडीशंस आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके सिलेबस के अंदर ये कंडीशंस के बारे में कुछ भी बातें नहीं लिखी हुई। इंटर लेवल पे आपने कहीं ना कहीं ये चीजें पढ़ी होंगी, बट इन चीजों को, बेसिक सी बातों को उन्होंने यहाँ पे कवर नहीं कर रखा। इधर टॉपिक डिस्कस करेंगे भाई किस किस जगह पर, किस किस जगह पर ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर सीएजी ऑडिट करता है। तो जरा आप ध्यान से ये लास्ट वाला पॉइंट रीड करिए, अथॉरिटीज एंड बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम यूनियन और स्टेट रेवेन्यू। क्या ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आया नहीं आया? मेरे वाले केस में ए लिमिटेड जो कि पीएसयू नहीं था, किसी भी तरह से कोई भी सरकारी कंट्रोल उसके ऊपर नहीं था, लेकिन सब्सटेंशियली फाइनेंस हुई है यूनियन, जब यूनियन वर्ड आएगा वहां पर हम बात करेंगे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की, और जहां कहीं भी स्टेट की बात आ रही है वो तो क्लियर है स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो अथॉरिटीज एंड बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम यूनियन और स्टेट रिवेन्यू, यहां पर सीएजी ऑडिट करते हैं। ऑल द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग इंडियन रेलवे पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन, यहां पे तो बेसिकली कवर कैसे कर लिया है, ऑल पीएसयू पब्लिक कमर्शियल एंटरप्राइज कंट्रोल्ड बाय यूनियन स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज कॉर्पोरेशंस, ये भी पीएसयू की बात करी है भाई। पीएसयू में देखिए ना क्या क्या कवर कर रहे थे हम, पीएसयू में हम कवर कर रहे थे एक तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, दूसरा कवर कर रहे थे इसमें हम गवर्नमेंट की कंपनी, और तीसरा कवर कर रहे थे हम इसमें गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन। तो पहले पॉइंट में कवर किया इन्होंने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कुछ इन्होंने नाम बता दिए, इंडियन रेलवे पोस्ट टेलीकम्युनिकेशन। अगले पॉइंट पर फिर बात कर रहे हैं ये
डिपार्टमेंट के अलावा गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन, चाहे तो आप यहाँ पे कुछ नाम लिख के आ जाइए कुछ गवर्नमेंट कंपनीज के एंड कॉर्पोरेशन के। तो ये तो मैं उम्मीद कराऊंगी इन दो पॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रही होगी, बिकॉज यहाँ पे तो हम पीएसयू कवर कर ही रहे हैं। बात आई कोई चीज जो पीएसयू बेसिकली नहीं है, जो पीएसयू बेसिकली नहीं है, लेकिन क्या वहां पर भी सीएजी ऑडिट हो सकती है? तो फोर्थ पॉइंट को आप देख लीजिए ध्यान से, अथॉरिटीज एंड बॉडीज सब्सटैंशियली फाइनेंस फ्रॉम द यूनियन और स्टेट रिवेन्यू। ठीक है, नाउ लास्ट वन, नॉन कमर्शियल ऑटोनॉमस बॉडीज, दैट इज स्वतंत्र संस्थाएं बोलते हैं इनको, और एंड अथॉरिटीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय यूनियन और स्टेट। नॉन कमर्शियल का मतलब क्या है कि कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी आपको यहां पर नहीं दिखाई देगी। अच्छा जरा ध्यान से बताना, इंडियन रेलवे क्या एक कमर्शियल डिपार्टमेंट है या नहीं है, या इंडियन पोस्ट एक कमर्शियल डिपार्टमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। क्या यहां पर पब्लिक को सेवा जब हम देते हैं तो क्या उनसे एक अमाउंट चार्ज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? बिल्कुल किया जा रहा है। गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं ये भी काफी हद तक आपकी कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं। जैसे एग्जांपल दिया था मैंने आपको बीएसएनएल, भेल, सेल, गेल, तो ऑल दीज आर गवर्नमेंट कंपनीज एंगेज इन कमर्शियल एक्टिविटीज। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहां पर नॉन कमर्शियल ऑटोनॉमस बॉडीज एंड अथॉरिटीज ओन और कंट्रोल बाय या तो यूनियन या फिर स्टेट। जैसे एग्जाम्पल दें, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जितने भी इंडिया के अंदर, चाहे वो यूनियन के कंट्रोल में काम करते हो या स्टेट के कंट्रोल में काम करते हो, जितने भी ये रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं क्या ये कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं? जैसे अभी मैंने एक रिसेंटली मूवी देखी थी वैक्सीन वॉर, अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए। तो उसमें दिखाया है कि एक इंस्टीट्यूट है इंडिया का जो कि वैक्सीन के ऊपर बेसिकली रिसर्च कर रहा था। ठीक है, अब ये बताइए क्या वो इंस्टीट्यूट एक ऑटोनॉमस बॉडी है या नहीं है? बिल्कुल है। क्या वो कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? क्या वो वैक्सीन पे रिसर्च करके, क्या वैक्सीन को बनाकर, वैक्सीन को सेल करके कोई अमाउंट चार्ज कर रहा है यहां पर? नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन क्या वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है? बिल्कुल है। क्या वो यूनियन के कंट्रोल में काम कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था। क्या इस जगह पर भी सीएजी ऑडिट करेगा? बिल्कुल करेगा। सर ऐसा क्यों? बिकॉज बेटा ये काफी हद तक डिपेंड कर रहे हैं इनकी जो फंडिंग्स होती हैं, बिकॉज इनके पास कुछ भी रिसर्च करने के लिए, बताइए क्या फंडिंग की रिक्वायरमेंट आएगी या नहीं आएगी? कुछ भी रिसर्च करने के लिए क्या फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इनको फंड कौन देगा? भाई नॉन कमर्शियल है, पब्लिक से फंड तो सीधा नहीं मांग सकते ना, ये गवर्नमेंट कंपनी है, उससे कोई अपना प्रोजेक्ट लगाना है तो क्या गवर्नमेंट कंपनी उस केस में कोई पब्लिक ऑफर लाके क्या पब्लिक से फंड रेस कर सकती है? कर सकती है। क्या वो स्टेट से फंड मिल सकते हैं? स्टेट से मिल सकता है, यूनियन से मिल सकता है, लेकिन 100% फंडिंग थोड़ी होती है। क्या पब्लिक ऑफर आ सकता है? नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन क्या ऐसी कोई ऑटोनॉमस बॉडीज, ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र है, यानी कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकती है, बट अल्टीमेटली उसको ऊपर से कंट्रोल कौन कर रहा है? कोई ना कोई यूनियन गवर्नमेंट, कोई ना कोई क्या एक ही यूनियन गवर्नमेंट होगी या कोई ना कोई स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है इसको। यानी रिसर्च किसके कंट्रोल में किया जा रहा है? और नॉन कमर्शियल है तो रिसर्च करने के लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट तो होगी, फंड उसको सरकार से मिल रहा होगा। तो क्या सरकार से जो फंड मिला है क्या आपने उसको प्रॉपर तरह से यूटिलाइज किया है या नहीं किया? क्या प्रोप्राइटी ऑडिट हो सकती है नहीं हो सकती? कहीं रिसोर्स को, गवर्नमेंट से मिलने वाले रिसोर्स को वेस्टफुल तरीके से अप्लाई तो नहीं किया जा रहा? तो ऐसी जगह पर भी सीएजी भाई साहब अपनी ऑडिट परफॉर्म करता है। क्लियर है बात? सर क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू सीएजी ऑडिट? देखो आने के चांस ऑलमोस्ट इस टॉपिक पर भी आपके ना के बराबर रहेंगे, फिर भी 4 मार्क्स के लिए मैं इस जगह पर मार्क कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कर रहा। जहां जहां क्वेश्चन बनने के चांस होंगे बच्चे, मैं अपने अकॉर्डिंग वहां पर आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवा दूंगा। जहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं बट एग्जाम में पूछे जाने के चांस नहीं है तो मार्किंग तो करवा दूंगा कि क्वेश्चन कितने नंबर का बन सकता है बट आने के चांस नहीं है, अकॉर्डिंगली मैं वहां पर इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करवा रहा। तो अभी तक 2 टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं बट आने के चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर। फर्स्ट वन लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सीएजी, ये हमने कवर किया, एंड सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू सीएजी ऑडिट। नाउ
स्क्रूटनी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कि सीएजी ने ऑडिट कर दी तो सीएजी की जो रिपोर्ट है अब उनका क्या होगा। मैंने शुरू में ही आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में एक फ्लो बताया था ना कि पहला क्या था, हम पीएसयू को समझ रहे थे, दूसरा पीएसयू में ऑडिट करता कौन है, सीएजी, उसके लीगल फ्रेमवर्क को हमने वहां पर देखा, फिर देखा सीएजी ऑडिट बेसिकली कहां कहां पर कर रहा है। अब जब सीएजी ने अपनी रिपोर्टिंग कर दी, सीएजी ने अपनी रिपोर्टिंग कर दी तो सीएजी अपनी रिपोर्ट सबमिट कैसे करता है, अभी डिस्कस किया, अगर यूनियन का है तो प्रेसिडेंट को और अगर स्टेट का है तो गवर्नर को, लेकिन उसकी रिपोर्ट को अल्टीमेटली देखेगा कौन। तो अगर मामला यूनियन का है, अगर ये मामला यूनियन का है तो देखो चीजें कैसे मूव कर रही हैं, सीएजी ने ऑडिट करी, जो सीएजी की रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट किसके पास गई, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ये रिपोर्ट लेके कहां जाते हैं, पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट के अंदर अब जो कमेटी होती हैं वो इन रिपोर्ट की स्टडी करती हैं। और हम यहां पर सारी कमेटी की बात नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में तो बहुत सारी कमेटी होती हैं, लेकिन केवल वहां पर तीन फाइनेंशियल कमेटी होती है और वो तीन फाइनेंशियल कमेटी इन रिपोर्ट की स्क्रूटनी करते हैं कि भाई सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। अगर मामला स्टेट का होता, अगर ये मामला स्टेट का होता तो चीजें कैसे मूव करती, भाई सीएजी तो वही होता, सीएजी पीएसयू पर रिपोर्ट कर रहा होता, ये रिपोर्ट इस बार प्रेसिडेंट के पास ना जाके कहां जा रही होती, गवर्नर, और गवर्नर इनको कहां पर लेके आ रहे होते, पार्लियामेंट के अंदर, नो, स्टेट लेजिस्लेशन, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेशन, और फिर वहां पर जो कमेटी होंगी, वहां पर जो कमेटी होंगी वो कमेटी इन रिपोर्ट की स्टडी करेगी। लेकिन स्टेट लेजिस्लेशन की जो फाइनेंशियल कमेटीज हैं, इनके बारे में कोई भी चर्चा हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं की गई। मैं फिर से बोल रहा हूं, जरा बात ध्यान से आप सुनना, पहले तो इस फ्लो को आप समझ जाइए, सीएजी रिपोर्ट करता है पीएसयू के ऊपर, और जो भी आपके यूनियन के पीएसयू होते हैं उनकी रिपोर्ट अकाउंट सबमिट किसके हो रहे हैं, ये प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इनको लेके आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट में तीन फाइनेंशियल कमेटी होती हैं जो अब इन रिपोर्ट की अकाउंट की स्क्रूटनी करती हैं। अगर ये मामला स्टेट का है तो सीएजी तो सेम ही रहेगा, वो इनको एग्जामिन करेगा, रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा उस स्टेट के गवर्नर को, गवर्नर चीजों को लेके आएगा स्टेट लेजिस्लेशन में, डेट इज विधानसभा के अंदर, और जो विधानसभा की फाइनेंशियल कमेटी होंगी वो इन रिपोर्ट की स्क्रूटनी करेंगी। लेकिन विधानसभा की जो फाइनेंशियल कमेटीज है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में पार्लियामेंट की जो तीन फाइनेंशियल कमेटी है उनके फंक्शन सिलेबस में है, कमेटी का एक बैकग्राउंड, कमेटी कैसे बनती है, कमेटी की मीटिंग्स के बारे में, कमेटी के टेन्योर के बारे में, ये चीजें सिलेबस में नहीं है, ना ही आपको पढ़ना, आपको केवल और केवल इन कमेटीज के फंक्शन के बारे में पढ़ना है। तो पार्लियामेंट की तीन फाइनेंशियल कमेटी होती हैं जो इनकी स्क्रूटनी करती हैं। मामला अगर स्टेट का होता तो स्टेट लेजिस्लेशन में जो फाइनेंशियल कमेटीज होती हैं वो इनकी स्क्रूटनी करती, लेकिन स्टेट की फाइनेंशियल कमेटीज के बारे में कुछ भी चर्चा स्टडी मटेरियल में नहीं है, स्टडी मटेरियल केवल पार्लियामेंट की जो तीन फाइनेंशियल कमेटी है उन्हें कवर करता है। देखिए ध्यान से, यही टॉपिक है, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, एक सेकेंड, ऑडिट रिपोर्ट एंड एनुअल अकाउंट्स विल बी रेफर्ड टू स्पेशलाइज्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, और इसमें एक नाम और लिख लीजिए आप, एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी। हाँ जब भाई, चलिए एक सेकंड रुकिए, एस्टिमेट कमेटी,
क्या दिक्कत है, आया एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इन शॉर्ट कॉल एज सीपीयू, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड द एस्टिमेट्स कमेटी। तो अब इन तीन कमेटी के फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों ही कमेटी के फंक्शन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, चार चार नंबर के लिए 4 मार्क्स। पीएसी, तीन कमेटी हैं एग्जाम में, सबसे ज्यादा जो कमेटी के बारे में पूछा गया है वो पीएसी के बारे में है, यानी कि जिस सीक्वेंस में इनके नाम आ रहे हैं इन्हीं सीक्वेंस में इनका प्रिफरेंस भी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे ज्यादा बार एग्जाम में है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग उससे कम है, और जो एस्टिमेट कमेटी है वो लास्ट में है बिल्कुल। तो चार चार नंबर के लिए मार्क करवा रहा हूं, और तीनों को ही बच्चे प्लीज आप इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, यानी मैं कह सकता हूं कि इन अभी तक जितना हम इस चैप्टर में कवर कर चुके हैं पहला टॉपिक जो हमारा एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। पीएसी परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। अब देखो, अगर मैं आपको एक बैकग्राउंड अगर ये नहीं बताता, या जो फ्लो जो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो पब्लिक अकाउंट कमेटी को केवल आप रटते ही, आप समझने का अटेम्प्ट ही नहीं करते। फिर से एक बार फ्लो समझ लीजिए क्या निकल के आ रहा है भाई। पीएसयू पर ऑडिट करी किसने? सीएजी ने इस पर अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट या तो प्रेसिडेंट के पास गई है या वो गवर्नर के पास गई है। ये किस पर डिपेंड करेगा कि पीएसयू किसके कंट्रोल में है, अगर वो यूनियन का है तो गवर्नर के पास, सॉरी प्रेसिडेंट के पास, अगर वो स्टेट का है तो गवर्नर के पास। ये रिपोर्ट फिर जाती है पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट का मामला होता तो स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर, और फिर वहां पर जो आपकी फाइनेंशियल कमेटीज होती हैं ये चीजें वहां मूव कर जाती हैं। तो आपकी जो पार्लियामेंट की तीन फाइनेंशियल कमेटी हैं वो अब इन रिपोर्ट की स्क्रूटनी करना स्टार्ट करती हैं, जिसमें पहली कमेटी हम समझ रहे हैं यहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये बेसिकली क्या काम करती है। एग्जामिन द मनीज वर डिस्पर्स्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर अप्लाइड, एग्जामिन दैट एक्सपेंडिचर वॉज ऑथराइज, एग्जामिन दैट द रीअप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन मेड, एंड एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज, द ऑडिट ऑफ विच इज कंडक्टेड बाय सीएजी आइदर अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और बाय द स्टैट्यूट ऑफ पार्लियामेंट। ये चार फंक्शन है आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी के। लास्ट वाला शायद आपको इतना क्लियर ना हो, बट पहले तीन पॉइंट पर बच्चे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने एंड पर एक दो बार प्लीज 2-3 मिनट का इसको आप टाइम दीजिए और थोड़ा सा इसको अपने एंड पर रीड करके, बार बार रीड करके इसको आप समझने का अटेम्प्ट करिए। कोई टॉपिक बेटा देखो, अगर पहली बार पढ़ने में क्लियर ना हो इतना जल्दी हथियार मत डालना। एक गुरु मंत्र मैं आपको दे रहा हूं कि ऑडिट हो, लॉ हो, या कोई भी मैं जिसको आप थ्योरेटिकल पेपर बोलते हो बेसिकली, अगर वहां पे कोई बात समझ में आपको नहीं आ रही है, लिखा हुआ है बस लेकिन आप वो चीज समझ नहीं पा रहे हो, नॉलेज तो आपको होती है बट समझ में नहीं आ पा रहा कि ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, आप एक काम करिए उसको ना बार बार आप रीड करिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, सीधा किसी की और हेल्प के ऊपर अभी आप मत जाइए। जैसे कि मैं यहां पर थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूं पढ़ने के लिए, अदरवाइज मैं चाहूं तो अभी ये चीजें मैं बोलने शुरू कर दूंगा और आपको समझ में भी आएगा, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग खुद पढ़ के आपको मिलती है ना वो मेरे द्वारा बताए गए चीजों से काफी ज्यादा होती है बेटा। इस चीज को मानो कि सेल्फ स्टडी करके जो चीजें हम समझ पाते हैं वो कहने की एक टीचर की क्लास लेके जो अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वो काफी लंबे टाइम तक रहती है। सिर्फ हम क्लासेस को देखते क्यों ना लायक हो, वो आप प्रीफर करते हो ना कि शॉर्टकट लेते हो, सेल्फ स्टडी आप करना ही नहीं चाहते, आप चाहते बस कोई आए और पका के हमको दे दे बस, आप खुद चीजें बनाकर खाना नहीं चाहते। तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जगह पर आप थोड़ा सा प्लीज इसको आप टाइम दीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार या 10 बार, इन तीन पॉइंट को बच्चे प्लीज सर आप रीड करिए और कहने के आपको समझ में आ जाएगा कि ये तीन पॉइंट यहां पर कहना क्या चाहते हैं। पढ़ के देखिए एक बार,
दो से तीन मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं प्लीज, लेकिन पढ़ना जरूर आप इन चीजों को। मेरे ऊपर अभी डिपेंड मत रहना कि दो तीन मिनट का ब्रेक ले लेते हैं उसके बाद तो सर इन चीजों को एक्सप्लेन कर ही देंगे, नालायकों मैं तो कर ही दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि चीजें बहुत क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ेंगे समझ पाएंगे। पढ़िए इसको ध्यान से। समझ में आया होगा आपको, नहीं आया होगा तो बस एक मिनट का टाइम और ले लीजिए, फिर मैं इन चीजों को अपने एंड पे एक्सप्लेन करूंगा। आया कुछ समझ में? क्या होता है देखिए, आपने कभी कोई बजट सेशन सुना है? कभी आपने फाइनल के बच्चे हो, इतना पता होगा ना कि पार्लियामेंट के अंदर एक बजट आता है, तो उसमें बजट के बारे में बताया जाता है किस किस चीजों पर कितना कितना सरकार एक बजट बना रही है। बजट का मतलब कि हाँ हमारा इस चीज पर इतना बजट है, यानी इस चीज पर हम इतना खर्चा हम कर सकते हैं। देखिए कि कोई भी एक स्कीम का, जो गवर्नमेंट की कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं, स्कीम्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, सरकार इन चीजों के ऊपर प्रॉपर एक बजट एलोकेट करता हुआ चलती है। जैसे कि उज्ज्वला योजना, कैसे लिखेंगे, उज्ज्वला योजना, नाम सुना होगा ना आपने इस योजना का, कि इस योजना के अंदर सरकार ने क्या काम किया है, जो गैस के कनेक्शंस होते हैं वो काफी सब्सिडाइज रेट पर, इन्होंने ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन पर पीपल होते हैं, भारत की जनता है, इनको प्रोवाइड कराया गया था। तो उज्ज्वला योजना का सपोज एक बजट सेट किया गया 1000 करोड़ रुपए का, यानी कि अब इस योजना के ऊपर जितना भी खर्चा होगा वो इस बजट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब एक बजट आपने इस योजना के लिए फिक्स कर दिया, अब जो भी कोई कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, जो भी कोई कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, वो इसी बजट के बेसिस पर अपने यहां पर चीजों के प्रोविजन सेट करेगा कि ठीक है 1000 करोड़ रुपए का बजट है तो इस बजट को किस तरह से यूज करना है, इसका प्रॉपर एक प्रोविजन सेट करेंगे इसी बजट को ध्यान में रखते हुए, और इसी के बेस पर फिर आपके एक्चुअल एक्सपेंस होने शुरू होंगे। एक्चुअल एक्सपेंस प्रॉपरली आपके ऑथराइज होने चाहिए, प्रॉपर तरह से इनका सेंक्शन होना चाहिए, ये तो आप देखेंगे। लेकिन ये बताइए क्या ये वाला जो प्रोविजंस है, क्या यहां पर जो प्रोविजन बनाया गया है, क्या ये 1000 करोड़ को एक्सीड कर सकता है क्या? जब ऊपर से ही बजट कितने का है, 1000 करोड़ का है, तो इसको कैसे यूज करना है, ये कहां कहां पर मुझे कैसे कैसे खर्चा करना है, ये सारा जो प्रोविजन है, या इसको मैं बोल सकता हूं रीअप्रोप्रिएशन, इसे मैं वर्ड बोल रहा हूं रीअप्रोप्रिएशन। सर व्हाई इट इज रीअप्रोप्रिएशन? बिकॉज पहले तो सरकारी फंड से एक लिमिट आपके लिए सेट कर दी गई, तो ये तो एक सरकारी फंड से 1000 करोड़ रुपए आपके लिए सेट कर दिए गए, अब इसी खर्चे से ही आप अपने खर्चों का प्रोविजन सेट करेंगे। एक जैसे ये होता है कि आपने शादी का एक बजट सेट करा, शादी भी एक प्रोजेक्ट है, अब शादी का बजट सेट हुआ सपोज कितने का, कि 50 लाख रुपए में शादी करनी है जी, 50 लाख, इस 50 लाख में से भी आप बताइए क्या री एप्रोप्रिएशन होगा नहीं होगा, किसमें खाने पे कितना खर्च करना है, डेकोरेशन पे कितना खर्च करना है, दुल्हन को देने में कितना खर्च करना है, क्या ऐसा बजट सेट होता नहीं होता? 50 लाख तो टोटल शादी का बजट है ना, इस टोटल शादी के बजट में से हर एक एक्टिविटी का अलग अलग बजट कितना होगा वो देखेंगे। तो एक्टिविटीज वाइज जो हम बजट बना रहे हैं, That is called as reappropriation, कि ठीक है 50 लाख का तो हमारा मेन बजट हो गया, इसमें से फिर हम reappropriation कर रहे हैं,
तो ये जो आपका रीअप्रोप्रिएशन है दैट इज कॉल्ड एज प्रोविजन, क्या ये आपके 1000 करोड़ से एक्सीड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना, यही तो बात बोल रहा हूं मैं अभी। फिर एक्चुअल एक्सपेंस जो होते हैं वो प्रॉपरली ऑथराइज हो, प्रॉपरली सेंक्शन हो, क्या एक्चुअल एक्सपेंस आपके इस वाले रीअप्रोप्रिएशन से क्या उससे एक्सीड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी बेसिकली गवर्नमेंट के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी है या गवर्नमेंट के जो कॉरपोरेशंस हैं, या फिर मैं कह सकता हूं जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट कंपनी कॉरपोरेशन एंड डिपार्टमेंट में जितने भी ये पब्लिक एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उन्हें चेक कर रही है कि क्या ये खर्चे प्रॉपरली हुए, क्या ये खर्चे वास्तव में हुए भी थे या नहीं हुए थे, जिस पर्पस के लिए रीअप्रोप्रिएशन किया गया था क्या उसी पर्पस के लिए अप्लाई हुआ था या नहीं हुआ था, क्या ऑथराइज मैनर में थे या नहीं थे, प्रॉपरली सेंक्शन हुए थे या नहीं हुए थे। पब्लिक अकाउंट कमेटी बेसिकली पीएसयू में आने वाले जो पब्लिक खर्चे हैं वो इनकी स्क्रूटनी कर रही है कि यहां पर सीएजी ने पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या रिपोर्टिंग करी है, पीएसयू में पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के ऊपर सीएजी ने क्या रिपोर्ट करा है, बेसिकली पब्लिक अकाउंट कमेटी इसकी स्क्रूटनी इस जगह पर कर रही है। देखो ध्यान से, पहले 3 पॉइंट पढ़ के देखिए, समझ में आएगा। पीएससी परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, एग्जामिन दैट द मनीज वर डिस्पर्स फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब है यहां पर रीअप्रोप्रिएशन से, कि जिस पर्पस के लिए ये रीअप्रोप्रिएशन किया गया था क्या उसी पर्पस के लिए खर्चा डिस्बर्स हुआ था या नहीं हुआ था। एग्जामिन दैट एक्सपेंडिचर वॉज प्रॉपरली ऑथराइज, प्रॉपरली सेंक्शन, एंड एग्जामिन दैट रीअप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन मेड। प्रोविजन क्या है? जो आपका मेन बजट था 1000 करोड़, क्या आपका रीअप्रोप्रिएशन इसी प्रोविजन के बेस पर हुआ है या नहीं हुआ। खुद सोचिए, रीअप्रोप्रिएशन जो आप कर रहे हो क्या आपका जो मेन बजट है क्या उससे एक्सीड कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। तो हम चेक कर रहे हैं रीअप्रोप्रिएशन आपके प्रोविजन के बेस पर हुआ है या नहीं हुआ, खर्चे प्रॉपरली ऑथराइज थे या नहीं थे, और जो जिस पर्पस के लिए रीअप्रोप्रिएशन हुआ है क्या ये पैसा वास्तव में उसी पर्पस के लिए डिस्बर्स हुआ है या नहीं हुआ। कई बार हम देखते हैं कि चीजें ना ऑन रिकॉर्ड तो हो रही होती हैं, चीजें ऑन रिकॉर्ड हो रही होती हैं, लेकिन वास्तव में जब जमीनी हकीकत जाकर चेक की जाती है तो दिखाई जाता है कि दिखाई ये देता है कि ग्राउंड लेवल पे तो बेसिकली उस कुछ काम ही नहीं हुआ। यानी ऑन रिकॉर्ड तो आप ये कह रहे हो कि हमने ये खर्चा कर दिया, हमने वो खर्चा कर दिया, हमने यहाँ ये खर्च कर दिया, लेकिन जहां जिस पर्पस के लिए आप बता रहे हो क्या उस पर्पस ये चीजें वास्तव में हुई भी हैं या नहीं हुई हैं। एग्जामिन दैट मनीज वर डिसबर्स फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर अप्लाइड। जिस पर्पस के लिए आपने रीअप्रोप्रिएशन किया था क्या उसी पर्पस के लिए खर्चा डिसबर्स हुआ था या नहीं हुआ था, क्या खर्चा प्रॉपरली ऑथराइज था, प्रॉपरली सेंक्शन था या नहीं था, जो आपने रीअप्रोप्रिएशन किया हुआ है क्या आपके प्रोविजन से मैच करता है या नहीं करता। प्रोविजन का मतलब जो आपका एक मेन बजट में से जो आपको एक अमाउंट दी गई थी 1000 करोड़, यानी उज्ज्वला योजना में आप जितना भी खर्चा करेंगे वो उसी 1000 करोड़ के अंदर आपका होना चाहिए, तो उसका एक बजट होगा। एग्जाम्पल दिया शादी का मेन बजट सपोज 50 लाख, उसमें से हलवाई का कितना है जो खाने पे खर्च करना है आपको, गहनों पे कितना खर्च करना होगा, ठीक है ना, हर एक एक्टिविटी पे खर्चा सेट किया जाता है ना, तो वो हो रहा है आपका रीअप्रोप्रिएशन। तो उज्ज्वला योजना का टोटल बजट अगर 1000 करोड़ का है, इसमें सिलेंडर पे कितना है, गैस पे कनेक्शन के लिए जो गैस की किट होती है प्रॉपर उस पे खर्चा कितना है, दैट इज कॉल्ड एज रीअप्रोप्रिएशन। तो जो आपका रीअप्रोप्रिएशन है क्या वो आपके मेन प्रोविजन से, जो मेन आपका बजट था उससे तो एक्सीड नहीं कर रहा। तो एग्जामिन दैट रीअप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन मेड। क्लियर है? तो 3 पॉइंट में आई थिंक समझ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, लेकिन हाँ 4th पॉइंट को देखिए ध्यान से। एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज द ऑडिट ऑफ विच इज कंडक्टेड बाय सीएजी आइदर अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और बाय स्टैट्यूट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कुछ ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस बॉडीज हो सकती हैं जो भले ही कमर्शियल एक्टिविटी ना करती हो, जो भले ही कमर्शियल एक्टिविटी ना करती हो, लेकिन क्या वो सीएजी ऑडिट के दायरे में आ सकती हैं? जैसे अभी जो टॉपिक ऊपर डिस्कस किया था, देखो ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू सीएजी ऑडिट, इसमें पढ़े 3rd पॉइंट क्या था,
नॉन कमर्शियल ऑटोनॉमस बॉडीज एंड अथॉरिटीज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द यूनियन और स्टेट। तो कमर्शियल एक्टिविटी तो यहां पर है नहीं, तो क्या इनके भी जो ऊपर इनकी भी जो ऑडिट रिपोर्ट आती है, क्या पब्लिक अकाउंट कमेटी उनको भी एग्जामिन करेगी? बोले भाई अगर सीएजी ने यहां पर काम किया है, भले ये पीएसयू ना हो, भले ये पीएसयू ना हो, लेकिन क्या इनके भी ऊपर अगर सीएजी ने ऑडिट करी है, क्यों करी है? या तो प्रेसिडेंट से डायरेक्शन आई हो, या फिर स्टैट्यूट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से कोई एक्ट है वो ये कहता है कि इस जगह पर सीएजी को ऑडिट करनी है। तो अल्टीमेटली अगर सीएजी ने इन जगह पर ऑडिट कर रखी है तो उनके भी जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हैं उनको यहां पर पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी स्क्रूटनाइज दैट इज एग्जामिन कर सकती है। एक एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको, रिसर्च इंस्टीट्यूट आई थिंक आईसीएमआर, जो मूवी में बताया गया था वो वैक्सीन वॉर के अंदर, वो आई थिंक आईसीएमआर था। तो आईसीएमआर बेसिकली क्या है, एक वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि एक नॉन कमर्शियल एक्टिविटी है, जो कि मतलब कि वो वैक्सीन पे रिसर्च कर रहे हैं, बट बेसिकली वो वैक्सीन को बनाकर वैक्सीन को सेल आउट नहीं कर रहे, तो कोई वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। लेकिन ऑटोनॉमस बॉडी है या सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है जिस पर ऑडिट करी है सीएजी ने, क्यों करी है? या तो प्रेसिडेंट से मिली हो डायरेक्शन कि आप करिए इसको ऑडिट, या फिर स्टैट्यूट ऑफ पार्लियामेंट की पार्लियामेंट से ही कोई एक्ट है जो ये कहता है कि भाई इस जगह पर सीएजी को ऑडिट करनी है। तो अगर सीएजी ने ऐसी ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज की ऑडिट करी है तो उनके भी अकाउंट को पब्लिक अकाउंट कमेटी एग्जामिन कर सकती है, ये उसका फंक्शन है। तो एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज द ऑडिट ऑफ विच इज कंडक्टेड बाय सीएजी आइदर अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और बाय द स्टैट्यूट ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी बेसिकली क्या काम कर रही है? शुरू में जो तीन पॉइंट हमने देखे वहां पर तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेकर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेकर कि जिस पर्पस के लिए रीअप्रोप्रिएशन हुआ है मनी उसी पर्पस के लिए डिसबर्स हुई है या नहीं हुई है उसे कवर किया, खर्चा प्रॉपरली ऑथराइज था, प्रॉपरली सेंक्शन था या नहीं था वो हमने देखा, और जो रीअप्रोप्रिएशन आपने किया हुआ है वो प्रोविजन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। प्रोविजन कितने का था? 1000 करोड़ का सेंक्शन, 1000 करोड़ का अगर आपका बजट था तो रीअप्रोप्रिएशन आपके इसी 1000 करोड़ के बेस पर होना चाहिए। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी इन्हीं चीजों के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट को चेक कर रही है कि सीएजी ने इन पॉइंट पर आके कोई एडवर्स कमेंट तो नहीं दिया हुआ, बिकॉज इन जगह पर बच्चे को अगर एडवर्स कमेंट होगा तो कहने के इस चीज को लेकर फिर जो चर्चा होगी, डिस्कशन होगी, वो पार्लियामेंट में आपका स्टार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? हाँ सर, समझ में आया है। सर क्या एग्जाम में इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करना है? मैं पहली बोल रहा हूं, तीन फाइनेंशियल कमेटी हैं ये पार्लियामेंट की, बहुत सारी कमेटीज होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ये तीन आपकी फाइनेंशियल कमेटी हैं। और ये कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, इनका चेयरपर्सन कौन होता है, इन कमेटीज का जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो कितने साल के लिए होता है, कि 3 साल के लिए कमेटी बनती है, 1 साल के लिए कमेटी बनती है, तो ये चीजें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस में केवल और केवल इन कमेटी के फंक्शंस को शामिल किया गया है, और ये फंक्शंस आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। जितने भी नंबर ऑफ फंक्शंस हैं एग्जाम में अगर आता है तो एग्जैक्टली सेम फंक्शंस आपको लिख के आने, लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकती है बट फंक्शंस आपके वही होने चाहिए जो अल्टीमेटली यहां पर आपको शो हो रहे हैं, यही आपके स्टडी मटेरियल में है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इन शॉर्ट कॉल्ड एज सीपीयू, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। द फंक्शंस ऑफ द कमेटी आर, इस कमेटी के फंक्शन क्या है? टू एग्जामिन द रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अंडरटेकिंग पे जो सीएजी ने रिपोर्ट किया है उनके अकाउंट्स पे जो रिपोर्ट करा है वो एग्जामिन करना, टू एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ सीएजी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। सर ये कौन सी रिपोर्ट है ऊपर देखो ध्यान से, पहला वो एग्जामिन कर रहे हैं अकाउंट्स को और अकाउंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होती हैं, अकाउंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट है, ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट बेसिकली कवर हो रहा है आपका सेकंड पॉइंट के अंदर, एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ सीएजी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। यानी इसको आप ऐसे देखिए, पहले तो ये पब्लिक अंडरटेकिंग के अकाउंट्स को देख रहे हैं, दूसरा जो इन अकाउंट्स के ऊपर रिपोर्ट आई है उनको ये देख रहे हैं,
थर्ड वन टू एग्जामिन द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग एंड टू सी वेदर दे आर बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। यानी कि अब यहां पर वो देख रहे हैं इनके ऑपरेशंस कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स जितनी भी हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो पीएसयू किस तरह से मैनेज की जा रही है, ये इन अकॉर्डेंस विद द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस, इस तरह से ये मैनेज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। बेसिकली जो तीसरा पॉइंट है वो इनके मैनेजमेंट को लेकर है। पहले पॉइंट में क्या है कि हम पीएसयू के जो अकाउंट्स हैं उसको एग्जामिन कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट पर पीएसयू के अकाउंट पर जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको एग्जामिन कर रहे हैं। तीसरा, पीएसयू किस तरह से मैनेज हो रही है, ये इन अकॉर्डेंस विद द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस, क्या इस तरह से ये मैनेज हो रही है नहीं हो रही, बिकॉज कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से ये मैनेज हो रही हैं, ये इस तरह से मैनेज हो रही हैं कि भाई जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं उसको हार्मफुल हो सके, या जल्दी ये बैंकक्रप्ट इंसॉल्वेंट हो सकती हैं, कुछ इस तरह से मैनेज हो रही हैं, तो इनका मैनेजमेंट प्रॉपर वे में है या नहीं है। एंड टू एक्सरसाइज सच अदर फंक्शंस एज मे बी अलॉटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम टाइम टू टाइम। स्पीकर कौन होता है? यहां पर डीजे वाले बाबू की बात हो रही है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, हु इज द स्पीकर? लोकसभा में आपने देखा होगा कि जब कभी भी, या राज्यसभा में जब कोई भी डिस्कशन चल रहा होता है, तो एक बंदा टॉप पे चेयर पे बैठा हुआ होता है। जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि यार ये बंदा सुप्रीम पावर हो सकता है यार, मतलब प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट, जो नॉट प्रेसिडेंट लेकिन हाँ जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसके नीचे सामने बैठा हुआ है, वो चीजों को बोल रहा है और वो ऑर्डर ऑर्डर बोल रहा है। लेकिन हाँ, अब मालूम चलता है कि इसके पास कुछ खास पावर नहीं है, बस वो केवल क्या है, सदन को, यानी कि जो लोकसभा है या राज्यसभा है उसको प्रॉपर वे में मैनेज करने के लिए इट इज जस्ट लाइक मॉनिटर कॉल्ड एज स्पीकर। तो स्पीकर इस कमेटी को और भी जो काम दे उसको डिस्चार्ज करता है। भाई कमेटी है, कमेटी किसकी है? पार्लियामेंट की है। पार्लियामेंट को चलाता कौन है? जो पार्लियामेंट के जो दोनों सदन होते हैं, जो उसके स्पीकर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, जस्ट लाइक क्लास मॉनिटर, कि भाई आपकी जिम्मेदारी है क्लास में हाय हल्ला नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्पीकर की जिम्मेदारी है कि सदन प्रॉपर तरह से चलना चाहिए। कोई भी अगर कहते हैं ना माननीय सांसद जी, अगर कोई भी ऐसा कोई गाली गलौज कर रहा होता है, आजकल तो संसद में कुछ भी हो जाता है, ठीक है ना, पेपर फाड़ रहा होता है, तो फिर उसको बुलाया जाता है, उस पर एक्शन लिया जाता है ना। तो जैसा काम क्लास में एक मॉनिटर का होता है, ऐसी पार्लियामेंट के दोनों सदनों के अंदर काम जो होता है वो स्पीकर का होता है। तो स्पीकर जो है, चाहे वो लोकसभा का है चाहे वो राज्यसभा का है, उसने कमेटी को और भी जो काम दिया हो वो काम करना। टू एक्सरसाइज सच अदर फंक्शंस एज मे बी अलॉटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस पे एग्जांपल दूं मैं आपको, एक एग्जांपल देता हूं, चलिए देखिए ध्यान से। ओएनजीसी का नाम सुना है आप बच्चों ने? ओएनजीसी, हाँ सर, नाम तो सुना हुआ है। तो ओएनजीसी का काम क्या है? वो क्या करता है कि वो जो सी एरिया होता है, सी समुद्री एरिया, तो वहां पर ये जो ऑयल एंड नेचुरल गैस के जो रिसोर्स होते हैं उनको ढूंढता है, और अगर कोई रिसोर्स मिलता है तो फिर वहां से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये ओएनजीसी की मेन फंक्शनिंग है, और ये फंक्शन को करने के लिए एक सबसे तगड़ी मशीन जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज रिग। तो ओएनजीसी के पास अपनी बहुत सारी रिग्स होंगी, एक बड़े बहुत बड़ी, एक कह सकते हो कि एक जस्ट लाइक प्लांट एंड मशीनरी है, जो हाई सी एरियाज के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैसेस को कह सकते हो कि सर्च करता है, और इनकेस मिल जाती है तो वहां से उनको एक्सट्रैक्ट करना, ये काम एक रिग के जरिए पॉसिबल होता है। ये एक रियल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, काफी टाइम पहले का है। तो रिग की रिक्वायरमेंट, अब ओएनजीसी को रिग की रिक्वायरमेंट आती है, तो सरकारी प्रक्रिया तो ये कहती है भाई जब भी आपको कुछ भी चीज प्रोक्योर करनी है तो पहले उसका आप प्रॉपर कहते हो कि कोटेशन को इनवाइट करवाइए, कोटेशन इनवाइट करने के बाद उस कोटेशन को आप एनालाइज करिए, और जो कंपनी एक अच्छे रेट पर आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है उसको आप ऑर्डर प्लेस करिए। लेकिन ओएनजीसी ने एक ऑर्डर सीधा प्लेस कर दिया था रिलायंस को, रिलायंस भी इसी फील्ड में काम करती है, तो रिलायंस से इन्होंने एक रिक हायर करी। लेकिन इसमें इन्होंने ओएनजीसी ने, ये तो एक पीएसयू है, और इसने सरकारी प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया, इसने कुछ कोटेशंस वगैरह इनवाइट नहीं करे, सीधा
रिलायंस से इन्होंने एक रिग को हायर किया था, खरीदा नहीं था, किराए पे लिया था, जिसका पर डे जो चार्टर था, चार्टर बोले तो रेंट, पर डे जो रेंट था वो था ₹2 करोड़। आप समझ सकते हो बेटा ये कितनी हाई लेवल टाइप की मशीनरी रही होगी। एक दिन का जो किराया था वो 2 करोड़ रुपए का था, और इसमें एक क्लॉज ये थी कि जिस दिन रिग ऑपरेट नहीं करेगा, जिस दिन रिग ऑपरेट नहीं करेगा उस दिन हम आपको जो रेंट का अमाउंट था उसका हम 98% पे करेंगे। जिस दिन रिग काम करेगी उस दिन प्रॉपर 2 करोड़ जाएगा, और जिस दिन रिग आइडल खड़ा रह गया, कोई भी वर्किंग नहीं होगी, उस दिन हम आपको इसका 2 करोड़ का 98% हम आपको पे करेंगे। ठीक है, अब यहां पर ONGC के ऊपर CAG की एक रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट में एक ऑब्जेक्शन तो ये लगा दिया गया, बोले भाई रिलायंस से आपने सीधा इस रिग को कैसे हायर कर लिया, बिकॉज आपने जो एक सरकारी प्रक्रिया होती है, गवर्नमेंट का प्रॉपर एक प्रोसेस है कि भाई पहले आपको कोटेशन इनवाइट करवाने चाहिए थे, इंडिया में और भी कंपनीज हैं जो इस फील्ड में वर्किंग करती हैं, तो आपको उनसे कोटेशन को इनवाइट करवाना चाहिए था, क्योंकि हमें देखना है कि जो अमाउंट आप पे करें वो रीजनेबल हो, ज्यादा सरकारी खजाने से आउटफ्लो नहीं होना चाहिए, तो आपको पहले यहां पर एक कोटेशन को इनवाइट करवाना चाहिए था, जो कि आपने नहीं करवाया, सीधा ऑर्डर दे दिया गया रिलायंस को जो कि नियमों के विपरीत था। सेकंड, ये जो दो आपने 98% पे किया है, यहां पर CAG का कमेंट ये था कि आपने यहां पर पेमेंट ज्यादा दिया है, मार्केट ट्रेंड ये कहता था उस टाइम पर कि वैसे तो जिस दिन रिग काम नहीं करेगी उस दिन आपको 92% पे करना होता है एज पर मार्केट नॉर्म्स, लेकिन आपने इसको 98% पे किया, यानी कि कहीं ना कहीं आपने इस जगह पर इसको 6% एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, और प्रॉपर वर्कआउट किया गया था कितने नंबर ऑफ डेज ऐसे थे जब जब रिग ने काम नहीं किया था, और उसके अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा आउटफ्लो ONGC से, सरकारी खजाने से बेसिकली कहां पर हुआ है रिलायंस को। ये सारी बातें CAG ने रिपोर्ट में अपनी हाईलाइट की थी। फिर ये रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट एक PSU के ऊपर थी, रिपोर्ट कहां पे गई, पार्लियामेंट के अंदर, और फिर पार्लियामेंट में जो आपकी फाइनेंशियल कमेटीज हैं, चाहे वो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी है या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, वो इस रिपोर्ट की स्क्रूटनी करती हैं, और फिर ये वाली बातें मीडिया में आ जाती हैं। तो ये बताइए कि जो ये वाली बात की मुझे नॉलेज हुई, ये ऐसा हुआ था, ये चीजें मुझे कहां से मिली, ये मुझे मीडिया से मालूम चला था, और मुझे आज भी याद है कि मीडिया में कहां देखा था कि मैं गाड़ी की सर्विस कराने के लिए गया हुआ था, और वहां पर खाली टाइम था, तो मैंने ऐसी वहां पर जो न्यूज़पेपर है उसको मैंने पढ़ना शुरू करा था, तो न्यूज़पेपर के अंदर मुझे ये न्यूज़ मिल रही थी। हाँ, ये आपको दैनिक जागरण या अमर उजाला में नहीं मिलेगी, ये आपको इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर मिलेंगी, ये ऐसी न्यूज़ जो होती है जो बिजनेस टुडे है या इकोनॉमिक टाइम्स है उसमें आपको मिल जाती है। तो सोचो कि मीडिया में अगर ये वाली बात आ रही है तो क्यों आई, कहां से आई, सोर्स क्या था, मीडिया तो बोलता सूत्रों के हवालों से खबर मिली है, वो सूत्र कौन से होते हैं। तो जब ये चीजें पार्लियामेंट में आई होंगी और पार्लियामेंट में इस चीज के ऊपर कहने के कुछ ना कुछ डिस्कशन रहा होगा, डिबेट रहा होगा, तब जाके ये चीजें मीडिया में हाईलाइट हुई और मुझे इन चीजों के बारे में नॉलेज हुई जो मैंने अभी आपको बताया। तो एक फ्लो को आप, मैंने कहा कि फ्लो को आप समझने का प्लीज अटेम्प्ट करिए कि कैसे PSU में काम हो रहा है। PSU अपनी वर्किंग कर रही है, PSU में CAG आते हैं, वो वहां पर ऑडिट करते हैं, बहुत तरह की ऑडिट्स होती हैं, अभी डिस्कस नहीं किया हमने आज की क्लास में, वो टाइप्स ऑफ ऑडिट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उन ऑडिट, वो जो रिपोर्ट्स होती हैं, तो CAG अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा है प्रेसिडेंट को या गवर्नर को, यूनियन का है तो प्रेसिडेंट को, अदरवाइज गवर्नर को। फिर चीजें पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेशन में आ जाती हैं, और फिर वहां पे जो फाइनेंशियल कमेटीज होती हैं वो अब इस रिपोर्ट की स्क्रूटनी करना शुरू कर देती हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर ये कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग CPU, ये क्या काम कर रही है, तो जितनी भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स होते हैं उनके जो अकाउंट्स हैं और अकाउंट से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं उनको स्क्रूटनी कर रही है, उनको एग्जामिन कर रही है। इस पर जो CAG की रिपोर्ट आई है ये उसको एग्जामिन कर रहे हैं। फिर और भी जो काम, जो कमेट, जो कि बेसिकली इन कमेटीज को स्पीकर कहता है करने के लिए, उसको ये वहां पे डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये भी देखते हैं कि जो PSU काम कर रहा है ये इन अकॉर्डेंस विद द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल एज पर प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये बताइए कि यहाँ पर जो ONGC ने काम करा है क्या ये इन अकॉर्डेंस विद द प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस है या साउंड बिजनेस प्रिंसिपल है। ठीक है, हमारा काम का तरीका तो ये कहता था कि आपको एक चीजें बताई गई थी कि आपको कोई भी काम करना है तो इस तरह से आपको काम करना है, बट आपने उससे डाइवर्जन लेते हुए काम कर लिया, आपने सीधा ऑर्डर किसको दे दिया, रिलायंस को दे दिया, जो कि सही नहीं था। आप उसको जिस दिन आपका रिग आइडल खड़ा हुआ है
वहां पर आप उसको जो मेन चार्टर था आपका 2 करोड़ रुपए का, उसके 98% की आप पेमेंट कर रहे थे, जबकि मार्केट ट्रेंड तो वहां पर 92% का है, एक्स्ट्रा पेमेंट आप यहां पर कर रहे हो। तो एग्जामिन करना रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, यहां पर रिपोर्ट का मतलब बेटे ऑडिट रिपोर्ट से नहीं है, रिपोर्ट का मतलब क्या, यहां पर इन्हीं अकाउंट्स रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होती होंगी वो देखना। दूसरा, एग्जामिन कर रहे हैं ये रिपोर्ट ऑफ सीएजी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, टू एग्जामिन द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग एंड टू सी वेदर दे आर बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस एंड टू एक्सरसाइज सच अदर फंक्शंस एज मे बी अलॉटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम टाइम टू टाइम। द एग्जामिनेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर पब्लिक एंटरप्राइज बाय द कमेटी टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल और इवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरटेकिंग। इट इन्वॉल्व्स अ थोरो एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग इवेल्युएशन ऑफ पॉलिसीज प्रोग्राम एंड फाइनेंशियल वर्किंग ऑफ अंडरटेकिंग। इस पॉइंट को अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हो, कोई खास बात नहीं बोली है, मेन फंक्शन आपके यही है, 4 फंक्शन। एंड द लास्ट वन, एस्टिमेट्स कमेटी, ये क्या काम करती होगी, नाम से लगा लो आइडिया, एस्टिमेट्स कमेटी क्या काम करती होगी। एस्टिमेट कमेटी बेसिकली एस्टिमेट्स को देखती होगी, सर किन चीजों के एस्टिमेट, भाई जो भी आपके लिए एक पब्लिक कह सकते हो कि जो पीएसयू है इसमें मेन काम क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। पीएसयू है क्या इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर होते होंगे, नहीं होते होंगे, क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए प्रॉपर एक बजट, प्रॉपर एक एस्टिमेट क्या पीएसयू करते होंगे या नहीं करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे। तो जो भी आपने एस्टिमेट किया हुआ है वो एज पर पॉलिसी है या नहीं है, या एस्टिमेट को कौन और ऐसी पॉलिसीज को डिजाइन करना जिनके बेस पर हम अपने एस्टिमेट को और अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से इन एस्टिमेट्स को हमको प्रेजेंट करना है वो पॉलिसीज बताना, ये सारा काम होता है एस्टिमेट कमेटी के अंदर। द फंक्शन ऑफ द एस्टिमेट कमेटीज आर टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट्स मे बी अफेक्टेड, कि कैसे इन चीजों को फर्दर और इंप्रूव हम कर सकते हैं। टू सजेस्ट ऑल्टरनेट पॉलिसीज, भाई पीएसयू की अपनी पॉलिसी है एस्टिमेट को लेकर, ठीक है, लेकिन ये पॉलिसी और भी बेटर हो सकती है, इनका और भी अच्छा है, कह सकते हो कि बेटरमेंट हो सकता है। सजेस्ट करना ऑल्टरनेट पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं कि एक ऐसा बजट मैं आपको बना के दूं जिसमें जो आपके खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे, अगर मैं आप एक आपका बजट है, ठीक है, उस बजट के जो एस्टिमेट्स हैं कि कैसे आप क्या क्या एस्टिमेट लेकर आपने बजट बनाया हुआ है, मैं उसको एग्जामिन कर रहा हूं। लेकिन देख ये बताइए कि आपने एस्टिमेट लिए हैं, आपके एस्टिमेट्स को मैं देख रहा हूं कि आपके जो खर्चों को लेकर जो एस्टिमेट्स हैं वो ठीक है या नहीं है, कैसे आपने एस्टिमेट लिया है, क्या मैं भी अपनी ओर से कुछ आपको सजेशंस दे सकता हूं, कुछ और पॉलिसीज मैं आपको बता सकता हूं कि जिनके बेसिस पर आपके जो एस्टिमेट हैं वो अच्छे हो सकें। इसका असर अल्टीमेटली आपके बजट पे ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अगर चीजें मैं आपका बजट कम कर दूं, यानी कि उतना ही रिजल्ट अगर आप मैं आपको कम अमाउंट पे दिलवा दूं, तो क्या आपकी जो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, क्या वो इंप्रूव होगी या नहीं होगी, क्या आपकी जो इकोनॉमी है वो इंप्रूव होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। एस्टिमेट कमेटी ये चीजें भी सजेस्ट करती है। टू सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसी इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। टू एग्जामिन वेदर द मनी इज वेल लेड आउट विद इन द लिमिट ऑफ पॉलिसी इंप्लाइड इन द एस्टिमेट। भाई ये बताइए कि जो आपका एस्टिमेट होगा, क्या जो आपकी बजटरी लिमिट होती है क्या उसे क्रॉस कर सकता है। भाई मैं पहले अगर आपको एक बजट दूंगा, उसी बजट के बेसिस पर तो आप एस्टिमेट लेंगे ना, अगर आप जो एस्टिमेट कर रहे हैं अगर वो चीजें आपके जो मेन आपको एप्रोप्रिएशन करके दिया गया था कि सपोज 1,000 करोड़ रुपए का आपको मेन बजट दिया गया था उज्ज्वला योजना के अंदर, अब जो आपके एस्टिमेट्स आएंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेकर या एडमिनिस्ट्रेटिव को लेकर, क्या आपका जो अमाउंट होगा क्या वो इस लिमिट को क्रॉस कर सकता है, नहीं कर सकता। इसी चीज को यहां पर एस्टिमेट कमेटी एग्जामिन कर रही है कि जो आपके एस्टिमेट कमेटी है, जो आपकी एस्टिमेशन है, क्या वो एस्टिमेशन क्या विद इन द लिमिट है या नहीं है। तो एग्जामिन वेदर द मनी इज वेल लेड आउट
विद इन द लिमिट ऑफ पॉलिसी इंप्लाइड इन द एस्टिमेट एंड टू सजेस्ट द फॉर्म इन विच, एक सेकेंड बताइए, कटा कट नहीं है, हाईलाइटर उठा नहीं था, हाँ अब देखिए, टू सजेस्ट द फॉर्म इन विच द एस्टिमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। किस तरह से पीएसयू अपने बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेगी, उसके फॉर्म को ये सजेस्ट कर सकती है। टू सजेस्ट द फॉर्म इन विच द एस्टिमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। तो ये आपकी बेसिकली मैं कह सकता हूं बच्चे तीन फाइनेंशियल कमेटी हैं, एक कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी, सेकेंड वन इज कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड थर्ड वन इज एस्टिमेट कमेटी। इन तीनों में से किसी के भी ऊपर एग्जाम में आपके चार नंबर का एक शॉर्ट नोट बेस्ड क्वेश्चन आपका बन सकता है इनके फंक्शंस को लेकर। फर्स्ट प्रायोरिटी जो जब से ज्यादा पूछी गई है वो है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी को लेकर, उससे कम जो पूछा गया है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को लेकर, और जो रेयरली पूछा गया है वो एस्टिमेट कमेटी को लेकर है। नाउ सीएजी रोल इन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये जो तीन कमेटी अभी हमने पढ़ी है, कौन कौन सी कमेटी के नाम याद हुए, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड एस्टिमेट कमेटी, इन कमेटी में सीएजी का रोल क्या होता है। मुझे इतना तो पता है कि भाई ये जो कमेटी हैं, ये कहीं ना कहीं जो सीएजी की रिपोर्ट होती हैं, ये उनकी स्क्रूटनी करती हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो अकाउंट्स होते हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो सीएजी की रिपोर्ट्स होती हैं, ये कमेटी उनकी स्क्रूटनी करती है। लेकिन अब थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में बात कर रहे हैं कि सीएजी का फंक्शन क्या है, सीएजी का रोल क्या है इन कमेटीज के अंदर। सीएजी रोल इन फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, 4 मार्क्स के लिए मार्क करिए। चैप्टर मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चे, छोटा है और बहुत ही लिमिटेड रेंज है क्वेश्चन की, माने कि अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन काउंट करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग 10 क्वेश्चन से ऊपर के नहीं बनेंगे आपके इस चैप्टर के अंदर, टोटल 10 बोल रहा हूं। उस 10 में भी ऐसे क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट नहीं है, जिनके एग्जाम में आने के चांस नहीं है, वो भी शामिल हैं इसके अंदर। टोटल 10 क्वेश्चन बोल रहा हूं। इन 10 क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे तरह से आपने तैयार कर लिया तो एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, बिलीव मी बच्चे, आपको अटेम्प्ट करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सीएजी रोल इन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन, कि सीएजी का इन कमेटी में रोल क्या है। बात समझ में आ रही है, एक बार फिर से देख लीजिए। मेरी ना रिपीट करने की आदत बहुत ज्यादा बहुत खराब है, कि मैं चाहता हूं कि जब बच्चा पढ़ रहा हो तो इसे एक फ्लो समझ में आ रहा हो कि वो टॉपिक पढ़ने के लिए क्या जा रहा है। वो मैं नहीं चाहता कि बच्चे इन चीजों को आप रटना बस शुरू कर दो, टॉपिक को पहले आप समझिए टॉपिक कहना क्या चाह रहा है। भाई इससे पहले हमने ये देखा कि ये जो कमेटीज हैं इनके फंक्शंस क्या हैं, और मेन फंक्शन में अल्टीमेटली ये कह सकता हूं कि जो पीएसयू के अकाउंट्स थे, रिपोर्ट्स थी, और जो सीएजी की रिपोर्ट है, ये बेसिकली इनकी स्क्रूटनी करते हैं। लेकिन अब हम बात करें सीएजी कैसे इन कमेटी में काम करता है, सीएजी इन कमेटीज के लिए क्या काम करते हैं। सीएजी रोल इन फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन, कि कैसे सीएजी इनकी फंक्शनिंग में इनको हेल्प करता है। रिपोर्ट ऑफ सीएजी, रिपोर्ट ऑफ सीएजी फॉर्म द बेसिस ऑफ कमेटीज वर्किंग। सीएजी की रिपोर्ट के बेसिस पर ही इन कमेटीज की वर्किंग होती है। दैट इज कमेटीज एग्जामिन द इश्यूज रेज्ड बाय सीएजी रिपोर्ट। ये पॉइंट तो बहुत बेसिक है। कमेटी रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ सीएजी, मेन काम यहां पे आ रहा है। देखो कि कमेटी को सीएजी की रिक्वायरमेंट क्या है। कमेटी रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ सीएजी फॉर स्क्रूटनाइजिंग द नोट्स विच द मिनिस्ट्रीज सबमिट टू द कमेटीज इन सो फार एज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ सबमिशन टू द कमेटीज एंड द फैक्ट एंड फिगर इन देयर ड्राफ्ट रिपोर्ट। मतलब समझ में आया, देखिए ध्यान से। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी को सपोज कोई नोट मिलता है किसी मिनिस्ट्री से, जिसके बेसिस पर पीएसी को कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो पीएसी के बहुत सारे काम होंगे,
तो पीएससी को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को मिनिस्ट्री से कोई नोट मिला है जिसके बेसिस पर भाई पीएससी को एक रिपोर्ट बना के सपोज मिनिस्ट्री को सबमिट करनी है। बात क्लियर है? तो पीएससी अब यहां पर चाहता है कि सीएजी आके एक बार ये देखे कि मिनिस्ट्री से जो नोट मिले हैं वो सही हैं या नहीं है, बिकॉज पीएससी की जो वर्किंग होगी वो इसी नोटिंग के ऊपर डिपेंड करेगी, मिनिस्ट्री से क्या नोट आए हैं। तो सीएजी से कहा जाता है कि सीएजी प्लीज एक बार देखिए कि मिनिस्ट्री से जो हमको नोट मिले हैं वो सही हैं या नहीं है। चांसेस हो सकते हैं कि शायद मिनिस्ट्री से कोई गलत नोट आ गया, मिनिस्ट्री से अगर कोई नोट गलत आ गया तो पीएससी की जो रिपोर्ट है इस नोट के बेस पर वो गलत हो जाएगी। तो सीएजी का काम एक तो ये नोट की करेक्टनेस को चेक करने का हुआ, दूसरा जो पीएससी रिपोर्ट बना रही है इसमें जो फैक्ट हैं, फिगर्स हैं, इनको चेक करने का, ताकि फाइनल सबमिशन जब जाए पीएससी के एंड पर तो इनकी रिपोर्ट में कोई भी गलती ना हो। सेकंड पॉइंट यही है, रीड करके देखिए। कमेटीज रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ सीएजी फॉर स्क्रूटनाइजिंग द नोट्स विच द मिनिस्ट्री सबमिट टू द कमेटीज इन सो फार एज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ सबमिशन टू द कमेटी, कि भाई जो मिनिस्ट्री से नोट आए हैं एक बार ये देखिए, एंड द फैक्ट्स एंड फिगर इन देयर ड्राफ्ट रिपोर्ट। क्लियर? थर्ड, रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल कमेटीज आर बींग सबमिटेड टू द पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन विद देयर ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन। द सीएजी असिस्ट वेरियस कमेटीज इन सजेस्टिंग द रिकमेंडेशन। जो फाइनेंशियल कमेटीज की रिपोर्ट होती हैं ये सबमिट होती हैं पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेशन में, विद देयर ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन। सीएजी उनको रिकमेंडेशन बनाने में असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। बात समझ में आई है? तो सीएजी की जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि जो कमेटी है आपकी फाइनेंशियल कमेटीज उनके लिए बेस वर्किंग का काम करती है, बिकॉज सीएजी की जो रिपोर्ट है उन्हीं के बेसिस पर वो स्क्रूटनी करते हैं कि भाई सीएजी ने क्या रिपोर्ट कराया है। पहला पॉइंट तो यही था। दूसरा पॉइंट कि पीएससी को एग्जांपल दिया, किसी भी फाइनेंशियल कमेटी को मिनिस्ट्री से कोई नोट आता है जिस नोट के बेस पर इन्हें कोई अपनी रिपोर्ट बनाकर सबमिट करनी है, ठीक है, नोट की करेक्टनेस को चेक करना, दूसरा जो भी इनकी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उसमें फैक्ट एंड फिगर को देखना। अगर जो भी कोई फाइनेंशियल कमेटी है अगर उसकी रिपोर्ट के अंदर कोई भी रिकमेंडेशन है तो ठीक है, यहां पर ये सीएजी को साथ में इन्वॉल्व कर सकते हैं रिकमेंडेशन को ड्राफ्ट करने के टाइम पर। तो रिपोर्ट्स ऑफ फाइनेंशियल कमेटीज आर बीइंग सबमिटेड टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर विद देयर ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन। सीएजी असिस्ट वेरियस कमेटीज इन सजेस्टिंग देयर रिकमेंडेशन। एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनेगा बच्चे 4 नंबर का। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ पीएसयू, अब तो बहुत बेसिक सा पॉइंट है, इसे केवल रीड ओनली में कवर करना, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस ना के बराबर है। दिस टॉपिक इज ओनली फॉर रीड ओनली। जहां जब क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे, मैंने आपको मार्क करा दिया है, चाहे आने के चांस कुछ भी हो, अगर कोई भी क्वेश्चन 1% ही सही आ सकता है मैं आपको मार्क करवा रहा हूं। जैसे लीगल फ्रेमवर्क ऑफ सीएजी पर मैंने आपको मार्क करवा दिया था, देयर आफ्टर जो सीएजी जो तीन फाइनेंशियल कमेटीज हैं पार्लियामेंट की वो मैंने आपको मार्क करवा दिया था, इसके बाद सीएजी का रोल क्या होता है इसके अंदर वो मैंने आपको मार्क करवाया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, केवल रीड ओनली में कवर करना, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। भाई पीएसयू की ऑडिट कराने का पर्पस क्या है, खुद सोचिए पीएसयू में ऑडिट होती क्यों है, पीएसयू में काम क्यों रहा है, सरकारी पैसा लग रहा है भाई साहब, और सरकारी पैसा पब्लिक एक्सपेंडिचर में जा रहा है, ये देखना कि रिवेन्यू आना चाहिए था जितना उतना आया या नहीं आया, कहीं कोई रिवेन्यू लीकेज तो नहीं है, पैसे को वेस्टफुली अप्लाई तो नहीं किया जा रहा, कहीं कोई फ्रॉड या एरर का मामला तो नहीं है, पीएसयू प्रॉपर तरह से आपके मैनेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बिकॉज अगर पीएसयू प्रॉपर तरह से मैनेज नहीं हो रहे, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं है, तो वहां पर पैसा जो होगा ना वो वेस्टफुली ही अप्लाई होगा। तो ये भी देखना कि ये प्रॉपर वे में फंक्शनिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अल्टीमेटली पीएसयू की जो ऑडिट हो रही है उनका ऑब्जेक्टिव यही है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, केवल टॉपिक को रीड ऑनली में कवर करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ पीएसयू इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट कवर्स 2 मेन एलिमेंट, फिस्कल अकाउंटेबिलिटी, व्हाट इज कॉल्ड फिस्कल अकाउंटेबिलिटी, जो
फिस्कल का मतलब क्या होता है? राजस्व, रिवेन्यू, पब्लिक रिवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड द मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी. इट इंक्लूड्स ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड, सेंक्शन, कंप्लायंसेस, प्रोप्राइटी एंड द मैनेजरियल. इट इंक्लूड्स ऑडिट ऑफ एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस. कि पीएसयू के ऑपरेशंस एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली, इफेक्टिव मैनर में हो रहे हैं या नहीं हो रहे. पीएसयू का मैनेजमेंट सही डिसीजन सही टाइम पर सही तरीके से लेता है या नहीं लेता. दैट इज कॉल्ड एज मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी. तो फिस्कल अकाउंटेबिलिटी हम चेक करते हैं एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, इन्हें चेक करना होता है. दैट दीज आर द मेन पर्पस ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट इन पीएसयू. स्कोप ऑफ ऑडिट, कौन कौन सी ऑडिट कवर होती हैं इसके अंदर, कौन कौन सी ऑडिट को हम कवर करते हैं. तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब पीएसयू में सीएजी ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो बेसिकली वहां पर पांच तरह की ऑडिट को हम कवर कर रहे हैं. फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, फिर मैंने आपको बताया था वहां पर एक प्रोप्रायटी ऑडिट, एक बताया था कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट एंड द लास्ट वन इज फॉर परफॉर्मेंस ऑडिट. ये सारी ऑडिट हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे, इसे हम आज के लेक्चर में कवर नहीं करेंगे. एग्जाम में सर ये ऑडिट पे क्वेश्चन बन जाते हैं क्या? तो अगर बच्चे मैं बात करूं फाइनेंशियल और कंप्लायंस ऑडिट, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा. लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, प्रोप्रायटी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, दीज थ्री ऑडिट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर. यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने के चांस आपके इस टॉपिक पे होते हैं पीएसयू के ऊपर, एक तो जो हमने तीन फाइनेंशियल कमेटी के फंक्शन पढ़े आज की क्लास में, उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस अच्छे खासे होते हैं. इसके अलावा जो स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर ये तीन ऑडिट्स कवर हो रही हैं इसके ऊपर और एक सीएजी की रिपोर्ट के ऊपर, ये तीन टॉपिक बोल रहा हूं, घोट के आप पी जाना. एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो इन टॉपिक में से आपको मिलेगा. पहला जो आपके तीन फाइनेंशियल कमेटी हैं उनके फंक्शन, दूसरा सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट, और तीसरा ये जो सीएजी पीएसयू में किस किस तरह की ऑडिट को परफॉर्म करता है, स्कोप ऑफ ऑडिट. मैं फिर से एक बार एक फ्लो फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि ये जो चैप्टर का जो कह सकते हो कि जो पूरा कंटेंट है इस चैप्टर की जो कवरेज है वो आपके माइंड में बेटा फिक्स हो सके. पहला पीएसयू क्या है वो समझिए, दूसरा पीएसयू में ऑडिट करता कौन है सीएजी वो समझिए, उसके लीगल फ्रेमवर्क को आप समझिए, फिर ये जो सीएजी है ये पीएसयू में किस किस तरह की ऑडिट को परफॉर्म करते हैं. तो पांच तरह की ऑडिट है स्कोप ऑफ ऑडिट, हालांकि इसे अभी हमने कवर नहीं किया आज के लेक्चर के अंदर, बट ये पांच ऑडिट पता होने चाहिए कि हाँ सीएजी पीएसयू में जाके ये तरह की ऑडिट परफॉर्म करते हैं. फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, फिर एक प्रोप्रायटी ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट. ये ऑडिट करके उसकी जो रिपोर्ट आती है, ये रिपोर्ट इन केस ऑफ यूनियन, यूनियन के अगर अकाउंट होते हैं तो प्रेसिडेंट को, अदरवाइज स्टेट वाले केस में गवर्नर को सबमिट करते हैं. इनके अकॉर्डिंग चीजें अगर यूनियन का है तो पार्लियामेंट में, स्टेट का है तो स्टेट लेजिस्लेशन में आती है. फिर वहां पे जो इनकी फाइनेंशियल कमेटीज होती हैं वो इन रिपोर्ट की स्क्रूटनी करती हैं और इसी के बेसिस पर अल्टीमेटली फिर जो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेशन है वहां पे डिस्कशन होने इन रिपोर्ट के बेस पर शुरू हो जाते हैं. तो ये पूरा एक फ्लो है आपके इस चैप्टर का. यहां पर हमने जो फाइनेंशियल कमेटीज है हमने उनके फंक्शन देखे, सीएजी कैसे इन कमेटीज में काम करता है हमने वो समझा इस जगह पर, सीएजी के बारे में हम समझ चुके हैं, पीएसयू की जो ऑडिट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझ चुके हैं, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, केवल पांच तरह की ऑडिट केवल अभी पड़ी है, नाम देखे हैं, इनको भी आज के लेक्चर में कवर नहीं कर रहे. नाउ अगला टॉपिक कवर कर रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, लेक्चर अभी ओवर नहीं हुआ. एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट, पीएसयू ऑडिट के एलिमेंट, फर्स्ट वन पार्टीज इन्वॉल्व, कितनी पार्टी पीएसयू ऑडिट में इन्वॉल्व है. तो देखिए एक तो होता है ऑडिटर, इस पर थोड़ा सा पानी गिर गया था तो ये क्लियर नहीं हो रहा. इट इज रेस्पॉन्सिबल पार्टी, रेस्पॉन्सिबल पार्टी, और ये इंटेंडेड यूजर. चलिए तो ऑडिटर कौन है इस केस में, सीएजी. रेस्पॉन्सिबल पार्टी कौन,
जिसकी आप ऑडिट करते हो कॉल्ड एज ऑडिटी, ऑडिटी। तो जो आपके बेसिकली पीएसयू है, पीएसयू उसको बोलूंगा मैं इस जगह पर रेस्पॉन्सिबल पार्टी। एंड द इंटेंडेड यूजर यानी कि रिपोर्ट का यूजर कौन, तो मेरी जो रिपोर्ट है वो अल्टीमेटली कहां जा रही है, मेरी रिपोर्ट अगर फ्लो समझ में अगर आपको बच्चे आ गया है तो मेरी रिपोर्ट अल्टीमेटली जा कहां रही है भाई, पार्लियामेंट में जा रही है या फिर अगर मामला स्टेट का है तो स्टेट लेजिस्लेचर में जा रही है। दीज आर द इंटेंडेड यूजर, क्लियर है। पार्टीज इन्वॉल्व, पहला क्या है ऑडिटर, ऑडिटर में कौन, सी एंड ए जी। रेस्पॉन्सिबल पार्टी का मतलब क्या है कि भाई कि किसकी आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिटेबल एंटिटीज एंड TCWG ऑफ ऑडिटेबल एंटिटीज यानी कि PSU एंड PSU के TCWG, PSU के दो शेयर विद गवर्नेंस एंड द इंटेंडेड यूजर, रिपोर्ट का इंटेंडेड यूजर कौन। तो क्या PSU वाले केस में मैं रिपोर्ट सीधा पब्लिक को एज ए लार्ज एड्रेस कर दूंगा क्या, नहीं। जो रिपोर्ट जाएगी वो कहां जाती है, मेरी पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट का मामला है तो स्टेट लेजिस्लेचर, दीज आर द इंटेंडेड यूजर, क्लियर। नाउ सेकंड वन, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। इसको आप यहां से समझिए, ये मोस्टली बच्चों को टॉपिक समझ में नहीं आता, नहीं आता। और मैं एक एग्जांपल दूंगा, आई थिंक 5 मिनट के आसपास का एग्जांपल होगा, ध्यान से सुनेंगे पहली बार में ही समझ में आ जाएगा। तीन चीजें बोल रहा है देखिए यहां पर, ये सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। देखिए सब्जेक्ट मैटर, मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं इस जगह पर, सपोज की प्रिपरेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके लिए सब्जेक्ट मैटर है। क्राइटेरिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप कैसे बनाते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस बेस पर आप बनाते हो, एज पर दी एप्लीकेबल FRF, एज पर दी एप्लीकेबल FRF। तो जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन एज पर दी एप्लीकेबल FRF करता हूं तो अल्टीमेटली मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के आते हैं एज पर FRF। ये हुई सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन से मतलब क्या है, सब्जेक्ट मैटर पे जब क्राइटेरिया अप्लाई हो जाता है, सब्जेक्ट मैटर पे जब एक क्राइटेरिया अप्लाई हो जाता है तो उसके बेसिस पर जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है उसे बोलते हैं हम सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। यानी आप ये देखिए, जैसे रिवेन्यू रिकॉग्निशन, मुझे रिवेन्यू रिकॉग्निशन करना है, ये तो हुआ एक सब्जेक्ट मैटर। क्राइटेरिया कि ये एस पर AS9 करना है, तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन का एस पर AS9 होना, यानी कि AS9 को इंफॉर्मेशन पे सब्जेक्ट मैटर पे अप्लाई करके जो इंफॉर्मेशन जनरेट हुई कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन मेरा हुआ, रिवेन्यू रिकॉग्निशन एस पर AS9, एस पर AS9, ये हुआ एक सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है। तो सब्जेक्ट मैटर जिस पर आपको काम करना है, जिस पर आपको काम करना है वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये काम किस बेसिस पर करना है, दैट इज कॉल्ड एज क्राइटेरिया एप्लीकेबल FRF। तो सब्जेक्ट मैटर पे जब ये क्राइटेरिया अप्लाई हो जाएगा तो वो बन जाता है सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर दी एप्लीकेबल FRF, ये हुआ आपका एक सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया, रिवेन्यू रिकॉग्निशन इज अ सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया है AS9, यानी कि हमें जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन करना है वह एज पर AS9 करना है। तो जब इसके ऊपर मैंने क्राइटेरिया अप्लाई करा और मैंने अपना रिवेन्यू रिकॉग्निशन एज पर AS9 कर दिया तो ये निकल के आया कि भाई मेरा यहां पर सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन, क्लियर। अब ये बताइए सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन पर जिम्मेदारी पहले किसकी होगी, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन का प्रिपरेशन, प्रिपरेशन और फिर होगी इसकी ऑडिट। तो प्रिपरेशन पे जिम्मेदारी सबसे पहले किसकी होती है, रेस्पॉन्सिबल पार्टी की।
रेस्पॉन्सिबल पार्टी, रेस्पॉन्सिबल पार्टी हमारे केस में कौन, रेस्पॉन्सिबल पार्टी हमारे केस में कौन है, हमारे केस में बच्चे रेस्पॉन्सिबल पार्टी है पीएसयू और उसका दोष चार्ज विद गवर्नेंस। तो सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करना रेस्पॉन्सिबल पार्टी की जिम्मेदारी है और उसकी ऑडिट करना ये सी एंड ए जी की जिम्मेदारी है। क्लियर है, ये तीन टॉपिक समझिए ध्यान से, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट मैटर इट रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन और एक्टिविटी डेट इज मेजर्ड या इवेल्युएटेड अगेंस्ट द क्राइटेरिया। आप एक वर्ड लेके चलिए मेजर्ड, बिकॉज अगर मैं इवेल्युएशन की बात करूंगा तो उसको आप ऑडिट पे लेके चले जाएंगे, जब मैं मेजरमेंट की बात करूंगा तो चीजों को प्रॉपरली आप कैच कर पाएंगे। इट रेफर्स टू इंफॉर्मेशन या एक्टिविटी डेट इज मेजर्ड अगेंस्ट द सर्टेन क्राइटेरिया। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देता हूं, चलिए तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं इस पर, बोरोइंग कॉस्ट। ये बताइए कि बोरोइंग कॉस्ट आपको मेजर करना है, मेजर करने का मतलब कि भाई बोरोइंग कॉस्ट है तो मुझे इसको एस पी एंड एल में लेके जाना चाहिए या असेट की कॉस्ट में मुझको उसको ऐड करना चाहिए, इसका मेजरमेंट कैसे हो। तो ये सब्जेक्ट मैटर तो निकल के आया, एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिया है ये बोरोइंग कॉस्ट। अब बोरोइंग कॉस्ट का मेजरमेंट आप कैसे करते हो, क्या इसका कोई क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया तो है, AS 16 बोरोइंग कॉस्ट में डील करता है। ये क्या है, इट इज द बेंचमार्क यूज्ड टू इवेल्युएट द सब्जेक्ट मैटर, इट इज ईच ऑडिट शैल हैव क्राइटेरिया सुटेबल टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट ऑडिट। इसको आप ऑडिट से लिंक मत करिए, लेकिन अभी आप समझ में आपको अच्छा आएगा, पहले इसको आप अकाउंट के साथ लेते हुए चलिए। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, देखिए एक तो इसके ऊपर रिवेन्यू रिकॉग्निशन का, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको बोरोइंग कॉस्ट का। सब्जेक्ट मैटर क्या भाई, जिस इंफॉर्मेशन को आपको मेजर करना है, जिस इंफॉर्मेशन को आपको मेजर करना है दैट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैटर। किस बेस पर उसको आप मेजर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज क्राइटेरिया। और जब हम सब्जेक्ट मैटर पे क्राइटेरिया को अप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। एक सेकंड बच्चे, वो बन जाता है सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। इट रेफर्स टू द आउटकम ऑफ मेजरिंग द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया, दैट इज जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर एफआरएफ बना दिया, इट इज सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। आपने जब रिवेन्यू रिकॉग्निशन एज पर एस 9 कर दिया, इट बिकम सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। आपने बोरोइंग कॉस्ट को एज पर एस 16 कर दिया, इट बिकम सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। और सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन पे सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी होगी, ऑडिटर या फिर रेस्पॉन्सिबल पार्टी, वो जिम्मेदारी होगी हमेशा रेस्पॉन्सिबल पार्टी की। मेरा काम क्या होगा भाई, जब रेस्पॉन्सिबल पार्टी अपना काम कर लेगी, जब वो प्रिपरेशन करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, या जब वो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कर ले एज पर एस 9, या बोरिंग कॉस्ट को मेजर कर ले एज पर एस 16, तब मेरा रोल आएगा इस जगह पर देखने का कि इन्होंने काम प्रॉपर तरह से किया है या नहीं किया। इसी में अगला टॉपिक है हमारा, इसमें टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट्स टॉपिक चल रहा है। देखो बच्चे ध्यान से, एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट। सबसे पहले हमने बात करी है पार्टीज इन्वॉल्व्ड। तो पार्टीज इन्वॉल्व्ड में तीन पार्टी हैं, ऑडिटर, रेस्पॉन्सिबल पार्टी एंड द इंटेंडेड यूजर। ये समझ में आपको आया होगा। देयर आफ्टर इसमें हमने बात करी है सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्राइटेरिया क्या है और सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन क्या है। सब्जेक्ट मैटर जिस पर काम करना है, क्राइटेरिया किस तरह से काम करना है, और जब सब्जेक्ट मैटर पे क्राइटेरिया को अप्लाई कर देते हैं वो बन जाता है आपके लिए सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। नाउ टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, दो तरह के एंगेजमेंट पीएसयू ऑडिट में शामिल हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज अटेस्टेशन एंगेजमेंट एंड द सेकंड वन इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। अटेस्टेशन एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एंगेजमेंट जहां पर बेसिकली मुझे कोई ओपिनियन को एक्सप्रेस करना होता है, यानी कि रेस्पॉन्सिबल पार्टी पहले सब्जेक्ट मैटर पे काम करेगी, यानी कि सब्जेक्ट मैटर पे क्राइटेरिया को अप्लाई करके एक सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन को तैयार किया जाएगा, एंड देयर आफ्टर ऑडिटर दैट इज सी एंड एजी आके चेक करेगा कि सब्जेक्ट मैटर पर क्राइटेरिया प्रॉपरली अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ, दैट इज सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन ठीक से आई है या नहीं आई, इस चीज के ऊपर अपनी ओपिनियन देना, दैट इज कॉल्ड एज अटेस्टेशन एंगेजमेंट। डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट क्या होता है, सुनना ध्यान से, अगर मैं सीधा सीएजी को इसलिए इन्वॉल्व कर रहा हूं
कि सर सब्जेक्ट मैटर पे क्राइटेरिया अप्लाई करके सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन आप ही बनाइए, दैट बिकम्स डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। बात सुनना ध्यान से, दो चीजें। पहला तो आपको ये समझ माना जरूरी है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, क्राइटेरिया क्या है, और ये सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन क्या है। ये समझ में आ गया? तो एक तो ये होता, देखो मेरा काम पीएसयू में क्या हो सकता है कि एक तरफ तो रेस्पॉन्सिबल पार्टी ने पहले अपना काम कर लिया और फिर मुझे एंगेज कर रहे हैं रिपोर्टिंग के पर्पस के लिए, उसे तो कहा जाता है अटेस्टेशन एंगेजमेंट। लेकिन पीएसयू के अंदर मेरा एक एंगेजमेंट ये भी हो सकता है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, यानी कि बेसिकली मैं यहां पर ऑडिट नहीं कर रहा, सीएजी को इन्वॉल्व किया गया रेस्पॉन्सिबल पार्टी वाला काम करने के लिए। रेस्पॉन्सिबल पार्टी का काम क्या था? सब्जेक्ट मैटर पे क्राइटेरिया को अप्लाई करके सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन को तैयार करना, ये रेस्पॉन्सिबल पार्टी का काम था। लेकिन यहां पर ये काम रेस्पॉन्सिबल पार्टी ना करके सीएजी कर रहा है, इट इज डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, यानी अटेस्टेशन एंगेजमेंट के अंदर मैं कहता हूं कि प्रॉपर ऑडिट होती है। लेकिन इस जगह पर बेसिकली मैं कोई ऑडिट नहीं कर रहा, जो काम रेस्पॉन्सिबल पार्टी करती है वो काम मैं कर रहा हूं। देखिए अटेस्टेशन एंगेजमेंट, दी रेस्पॉन्सिबल पार्टी मेजर्स द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया एंड प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन ऑन विच द ऑडिटर देन गैदर सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर एक्सप्रेसिंग अ कंक्लूजन। यानी कि पहले रेस्पॉन्सिबल पार्टी सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन बनाएगी एज पर द क्राइटेरिया जो अप्लाई करना होता है उसको सब्जेक्ट मैटर पर, और फिर उसके ऊपर ऑडिटर आके अपनी ओपिनियन देता है आफ्टर ऑब्टेनिंग सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। लेकिन डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट क्या है? यहां पर रेस्पॉन्सिबल पार्टी वाला काम ऑडिटर कर रहा होता है, यानी ऑडिटर सब्जेक्ट मैटर पे क्राइटेरिया अप्लाई करके सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है। इट इज द ऑडिटर हु मेजर और इवेलुएट द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। यानी मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चे, जो काम अदरवाइज रेस्पॉन्सिबल पार्टी को करना होता है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट के अंदर, ये काम आपसे करवाया जा रहा है। सर क्या सीएजी ये काम करता है? हाँ करता है। कंपाइलेशन का काम भी सी एंड एजी करता है। मुझे याद आ रहा है कि जिस टाइम पर मैं आर्टिकल था तो बीएसएनएल की ऑडिट हमारी फर्म को मिली थी, स्टैचू ऑडिट नहीं थी, जस्ट लाइक इंटरनल टाइप का आप कह सकते हो। सीएजी से हमको ये डायरेक्शन मिली थी, यानी कि हमारी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो सी एंड एजी ने की थी। अब जब हम ऑडिट करने के लिए जाते हैं बीएसएनएल में, तो उस टाइम पर मैं कह सकते हो कि एक सीनियर आर्टिकल था और मुझे सर ने लीड करने के लिए भेज दिया। पहला टाइम था जब इंडिपेंडेंटली एज आर्टिकल मैं किसी ऑडिट को लीड कर रहा था, और वहां पर जाके मैं तो ये सोच रहा कि भाई मैं तो ऑडिटर हूं, तो मुझे तो मेरे मन में था कि हमें तो काम जो करना है वो कौन सा करना है, अटेस्टेशन एंगेजमेंट। मेरे माइंड में यही था कि भाई काम तो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी कर रखा होगा, बस मैं तो जाके चेक करूंगा कि काम प्रॉपर है या नहीं है। लेकिन जो हमारा एंगेजमेंट था बेसिकली वो ये वाला था, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। यानी मुझे वहां पर जाके उनकी कई सारी सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करवाना था, जो कि मेरी नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं था। यानी एंगेजमेंट का टाइप नेचर समझने में मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि मोस्टली जो हम काम करते हैं, कुछ सोचिए, मोस्टली जो आप काम करते हो वो किस नेचर का होता है? वो अटेस्टेशन एंगेजमेंट नेचर का होता है, जहां पर ऑलरेडी मैनेजमेंट ने काम किया हुआ होता है। हम तो केवल वहां पर जाते हैं और वहां पर जाके ये देखते हैं कि काम इन्होंने प्रॉपर वे में करा है या नहीं करा। और वहां पर जो मैनेजमेंट था वो मुझसे कह रहे हैं सर ये इंफॉर्मेशन तैयार करवा दीजिए, ये इंफॉर्मेशन तैयार करवा दीजिए। मैंने कहा सर ये काम हमारा नहीं होता, ये काम आपका होता है, ये जब आप बना लेंगे उसके बाद मैं चेक करूंगा कि आपने प्रॉपरली काम करा है या नहीं करा। बोले सर इससे पहले वाले तो सीए करवाते थे, मैंने वो करवाते होंगे, हम नहीं करवाएंगे। और मैं वो काम करके नहीं आया। समझ रहे हो ना गलती क्या हो रही है? एंगेजमेंट का जो टाइप है वो समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मेरे जो बॉस थे, मेरे जो सर थे, सीनियर थे, उन्होंने ऐसी कोई डायरेक्शन मुझको दी ही नहीं कि नितिन आपको जाके कौन सा काम करना है, ये एंगेजमेंट किस नेचर का है। आई थिंक उनको भी समझ में नहीं आया होगा, वो भी प्रैक्टिस में नए नए आए थे उस टाइम पे। तो एंगेजमेंट को समझने में प्रॉब्लम हुई और हम ये वाला एंगेजमेंट प्रॉपरली करके नहीं आए थे। रीजन ये रहा कि 2-3 साल के लिए उस ऑडिट में हम ब्लैकलिस्ट हो गए थे, क्योंकि नेचर समझ में नहीं था, नेचर को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग थी मेरे सीनियर को भी और मुझे भी, कि भाई जो हमें काम करना है
बेसिकली वो अटेस्टेशन एंगेजमेंट नहीं था, वो एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट था। तो सीएजी जब पीएसयू में काम करने के लिए जा रहा है, इनमें से कोई सा भी एंगेजमेंट हो सकता है। अगर ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं तो अनडाउटेडली वो एक अटेस्टेशन एंगेजमेंट है, लेकिन इन केस ऑफ डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट इट इज द ऑडिटर हु मेजर्स और इवेल्युएट्स द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। फाइनेंशियल ऑडिट आर ऑलवेज अटेस्टेशन एंगेजमेंट। जो फाइनेंशियल ऑडिट्स होती हैं वो हमेशा आपके अटेस्टेशन एंगेजमेंट होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बच्चे हम इतना ही कवर करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जो सेकंड लेक्चर होगा वो आपके इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर ही होगा। मैंने शुरू में ही कहा था कि चैप्टर छोटा है और थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट है तो शायद इस पर कमांड आपकी और भी अच्छी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं इसको एक प्री कंडीशन तो नहीं बोलूंगा कि भाई चैप्टर को समझने के लिए एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन जो मैंने आज बार बार कई बार एक फ्लो को डिस्कस किया था आपसे, वो अगर आपको समझ में आ रहा है, इस चैप्टर पे कमांड हमेशा बच्चे आपकी बनी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हमने आज के इस लेक्चर में कवर किया है, इसको 2-3 बार मल्टीपल टाइम्स रीडिंग में आप कवर करिए। कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक पर, मैंने अपना नंबर शेयर किया हुआ है। बार बार हर वीडियो में नलायक को आपसे सेम रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कोई भी डाउट है उसको आप इकट्ठा मत करिए, टाइमली मैनर में डाउट मेरे साथ आप डिस्कस करते हुए चलिए। जो ऑडिट में हमने टारगेट सेट किया है, मैं टारगेट बार बार रिवाइज करवाता हूँ आपको, टारगेट आपको रिकॉल होना चाहिए कि 70 और 80s में हमको ऑडिट में स्कोर करना है, वो इजीली आपका अचीवेबल होगा। बट कंडीशन कि जो डायरेक्शंस मैं अपने एंड पे आपको दे रहा हूं, इसको आप लगातार फॉलो करते हुए चलिए। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जहां जहां मैंने क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, जहां भी मैंने मार्किंग कराई है, प्लीज 2-3 बार उसको आप जरूर रीड कर लीजिएगा अगली वीडियो देखने से पहले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।